हेलो एवरीवन, आज हम लोग का डे 3। आज डे 3 में लास्ट लेक्चर, डे 1 में हम लोग ने डिमांड सप्लाई किया था, डे 2 में हम लोग ने प्रोडक्शन कॉस्ट पढ़ा था। आज डे 3 के अंदर हम लोग मार्केट, डिमांड, बिजनेस साइकिल और चैप्टर नंबर 1, ये तीनों चीज़ हम लोग आज करने की कोशिश करेंगे। ओके, सबको मेरे तरफ से वेरी 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 गुड इवनिंग। सब लोग मेरे को गुड इवनिंग सर बोलेंगे तो पता चलेगा कितने लोग जिंदा है, कितने लोग नहीं है। यस, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सब लोग गुड इवनिंग बोलने का, नॉट ऑडिबल, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओके, चलो आज हम लोग है ना जो चालू करने वाला है, दैट विल बी अ चैप्टर नंबर 4, दैट विल बी अ मार्केट। देखो, मार्केट चैप्टर टेक्निकली देखने जाएगा ना तो कुछ चीज है जो आपको इसमें ध्यान में रखने का है और कुछ चीज है जो एकदम ठीक है, वो नहीं भी किया तो भी चलेगा। बट मार्केट है क्या? पहली बात है ना, तुमको ऐसा लगता रहेगा मार्केट रेफर्स टू अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट, लेकिन सर ये जो डेफिनेशन है ये उसी का डेफिनेशन है, बट इकोनॉमी का डेफिनेशन समथिंग से कुछ तो अलग ही बोलता है। व्हाट इज मार्केट? मार्केट रेफर्स टू बायर सेलर बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ पर्टिकुलर प्लेस विदाउट एनी पर्टिकुलर प्लेस, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ऑफ टेंजेबल गुड्स और इनटेंजेबल गुड्स इज नोन एज मार्केट। मतलब सर, बायर और सेलर है, हाँ, बाइंग और सेलिंग है, हाँ, बाइंग एंड सेलिंग है, सॉरी, बाइंग एंड सेलिंग है, गुड्स एंड सर्विसेज है एट अ पर्टिकुलर प्लेस है विदाउट एनी पर्टिकुलर प्लेस। सर, पर्टिकुलर प्लेस वो तो ऑन द स्पॉट जो सामने सामने बाइंग एंड सेलिंग होता है, विदाउट एनी पर्टिकुलर प्लेस वो तो हॉकर्स रहेंगे, बोलो, एक जगह पे नहीं रहता, अलग अलग जगह पे रहते हैं। दूसरा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली वो तो सामने सामने, और इनडायरेक्टली बोला तो क्या रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, और टेंजिबल विच वी कैन सी टच और फील, इनटेंजिबल वो तो विच कैन नॉट सी टच और फील। तो मार्केट रेफर्स टू बायर सेलर बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट अ पर्टिकुलर प्लेस विदाउट एनी पर्टिकुलर प्लेस, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ऑफ टेंजिबल गुड्स और इनटेंजिबल गुड्स इज नोन एज व्हाट? मार्केट। समझा क्या? अच्छा, यहां पर तुम लोगों को एक इसमें है ना क्वेश्चन, ज्यादातर तुमको है ना पूछेंगे तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो इसमें से आएगा, जो हम लोग है ना डायग्राम, अलग अलग वेरिएशन वाला डायग्राम होता है। अब ये अलग अलग वेरिएशन वाला डायग्राम कौन सा? तो पहला, वो डायग्राम करने के पहले हम लोग बेसिक चीज पढ़ते हैं। आप लोगों को मालूम रहेगा प्राइस डिटरमाइन अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन, या प्राइस डिटरमाइन, प्राइस डिटरमाइन जो रहेगा ये तुम लोगों को है ना बाय द मार्केट फोर्स, एक मिनट, मार्केट फोर्स, हाँ, आवाज खुल गया मेरा, मार्केट फोर्स जो रहेगा दैट विल बी, ये मार्केट फोर्स तुमको मालूम रहेगा, ये तुम्हारा क्या होता है, डिमांड और क्या होता है, सप्लाई होता है। तुमको मालूम है प्राइस 5, 4, 3, 2, 1 रहेगा, मेरा डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा, और सप्लाई क्या होगा, मेरा कम होगा, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, बराबर, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई। अगर तुम अगर नोटिस करेंगे पूरे केस के अंदर, तुम लोग है ना यहाँ पर देखो, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों भी क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। तो मैं इसको बोलू डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। यहां पर तुम लोगों को अगर दिखेगा तो डिमांड इज लेस देन सप्लाई, और यहां पर आपका डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। सर, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई रहेगा इस टाइम पे मेरा प्राइस क्या होगा, फॉल होगा। डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई रहेगा उस टाइम पे मेरा प्राइस क्या होगा, राइज होगा। ओके, तो यहां पर अगर हम लोग डायग्राम देखेंगे तो इसका डायग्राम कैसा रहेगा, इधर क्या रहेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन, यहां पे क्या आएगा प्राइस, यहां पे क्या रहेगा क्वांटिटी, यहां पे क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई रहेगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या रहेगा डिमांड कर्व, इसको मैं लिखूंगा डीडी, ये तुम्हारा क्या रहेगा सप्लाई कर्व, इसको मैं बोलूंगा एसएस, यहां पे क्या रहेगा इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम क्या डिसाइड करेगा क्वांटिटी, और ये क्या डिसाइड करेगा तुम्हारा प्राइस। तो ये तुम्हारा प्राइस हो गया, ये तुम्हारा क्वांटिटी हो गया। ये आप लोगों को मालूम पड़ा रहेगा मैंने क्या किया, ये आप लोगों ने इसके पहले भी आप लोगों ने ये डायग्राम बनाया है 12th स्टैंडर्ड में, चैप्टर नंबर 3
फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर नंबर 5, उसके अंदर परफेक्ट कंपटीशन के बाद प्राइस डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन था, उसके अंदर ये पढ़ा था। तो डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड, बोथ इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, इट इज अ इक्विलिब्रियम प्राइस, बराबर ना। ये जो रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे, राइट। ये हम लोग ने किया था ये वाला, ठीक है। तो ये हम लोग को मालूम पड़ा, लेकिन सर इसमें क्वेश्चन अलग अलग आता है। अब इसके अंदर एक चीज आएगा, इंक्रीज इन डिमांड बोला। अब ये यहां से अपना कॉन्सेप्ट चालू होता है। सबको मेरा आवाज आ रहा है प्रॉपरली? मैं जो कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आएगा आएगा। इसमें एक डायग्राम बनाऊंगा, बाकी का वेरिएशन तुमको, अलग अलग वेरिएशन तुमको बनाना है, क्योंकि हर डायग्राम बनाएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो एक डायग्राम जो रिलेटेड रहेगा, जो तुम लोग घर पे बैठ के आराम से कर सकते, ठीक है। तो यहां पर सबको मेरा आवाज सुनाई दे रहा, यस सर और नो सर? सबको समझ में आया क्या? ओके, तो लेट्स सी। अच्छा, अभी आएगा तुम लोगों का इंक्रीज इन डिमांड। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब है ना, मुझे बताओ, इंक्रीज इन डिमांड जब भी तुमको ऐसा बोला तो तुम लोगों को पहला ये डायग्राम बना के रख देने का। पहले ये जो हैज इट इज हम जो बना रहे, सबसे पहले ये ओरिजिनल रहेगा, ठीक है। आपको अभी उसने बोला कि इंक्रीज इन डिमांड बोला, जब मैं बोला इंक्रीज इन डिमांड बोला तो शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रहेगा। डिमांड कर्व इंक्रीज इन डिमांड तो शिफ्टेड फ्रॉम क्या रहेगा, लेफ्ट टू राइट रहेगा। ये तुम्हारा क्या गया, डिमांड कर्व हो गया। सॉरी, ठीक है। तो ये तुम लोगों का रहेगा, समझो यहां पर तुम लोगों का इंक्रीज इन डिमांड आया, मतलब शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आएगा, ओके। अब यहां पर मैं क्या लिखूंगा, यहां पे इसको D1 और इसको लिखूंगा मैं D1, ठीक है। अब D1 है तो देखो यहां पर आपको क्या मिला, इक्विलिब्रियम E1 आया। अब ये D1 और S आपका यही पे है, और यहां पर आपका क्वांटिटी मेरा क्या हो गया सर, Q से Q1 हो गया, और प्राइस मेरा क्या हुआ, बढ़ गया, P से क्या हुआ, P1 हो गया, P से P1 हो गया। अब यहां पे प्राइस तुम्हारा क्या हो गया, बढ़ गया, क्वांटिटी मेरा क्या हो गया, बढ़ गया, अंडरस्टूड। अब यहां पे दो क्वेश्चन आते, थोड़ा ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा, मोस्ट IMPM। पहला क्वेश्चन, सर जब मैं बोल रहा हूं इंक्रीज इन डिमांड आ गया, बराबर, तो अब यहां पर आप नॉर्मली देखो क्या लिखते हैं, प्राइस आप लोग क्या लिखते हैं, यहां पर प्राइस मेरा राइज हुआ, मैं जो बताने वाला हूं पहले वो लिखते दो, फिर बाद में और अच्छे से समझ में आएगा। क्वांटिटी मेरा जो हो गया वो भी मेरा राइज हो गया, और ये जो इक्विलिब्रियम जो है, ये इक्विलिब्रियम जो है इसमें क्या हो रहा है, द मूवमेंट इस कैसा रहेगा, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब आप अगर देखेंगे यहां पर मूवमेंट हुआ है, कैसा है, देखो ना ये अपवर्ड की तरफ जा रहा है ना, तो ये तुमको दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है, अपवर्ड जा रहा है, ओके। अब यहां पे मेरा क्वेश्चन है, पहले वो क्वेश्चन समझ के लो, एग्जाम में याद रहना चाहिए ये वाला चीज। और बहुत जन को बोलते हैं ना सर मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता है ये डायग्राम बनाते वक्त, ये कंफ्यूज होने का रीजन मैं तुमको बताता हूं। देखो पहला, तुम लोगों को इंक्रीज इन डिमांड बोला, तो आपका इंक्रीज इन डिमांड होता है तब आपका डिमांड कर्व शुड बी शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होना चाहिए था, लेकिन सर आपने यहां पे मूवमेंट लिखा। इसका रीजन है, हम लोग जो बना रहे, आप जब इंक्रीज इन डिमांड बोलते शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इसलिए लिखते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ डिमांड का ही बारे में बात किया है, लेकिन यहां पर इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्टेड अपवर्ड, मूवमेंट अपवर्ड लिखा है, वो इसलिए है क्योंकि इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। वापस बोल रहा हूं, इंक्रीज इन डिमांड में शिफ्टेड लेते हैं, सिर्फ डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं,
लेकिन यहां पर अपना इक्विलिब्रियम जो आया इज नॉट बिकॉज ऑफ ओनली डिमांड, इज बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. और डिमांड और सप्लाई से आपको न्यू इक्विलिब्रियम मिला तो वो उसका मूवमेंट कैसा दिख रहा है, अपवर्ड दिखेगा. सबको समझा क्या? यस सर और नो सर? सबको समझा कि नहीं समझा? यस सर और नो सर? सब लोग मैसेज डालेंगे फटाफट. यस सर और नो सर? यस सर और नो सर? ओके, सबको समझा? वेरी गुड. समझा ना? वापस मैं बोलूंगा, इंक्रीज इन डिमांड बोला तो इट इज शिफ्टेड वर्ड आएगा बिकॉज उसमें सिर्फ डिमांड के बारे में रहेगा. और दूसरा, यहां पे मूवमेंट वर्ड आ गया क्योंकि यहां पर आपने इक्विलिब्रियम रहेगा. इक्विलिब्रियम इज डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई. इसके लिए यहां पे क्वांटिटी आपका बढ़ गया, प्राइस आपका यही रहेगा. अब आपको मुझे बताओ, डिक्रीज इन डिमांड बनाने को आएगा. अब डिक्रीज इन डिमांड बोलेगा तो शिफ्टेड फ्रॉम क्या लिखोगे? राइट टू क्या करोगे? लेफ्ट करोगे. समझा? राइट टू क्या करोगे? लेफ्ट करोगे. बराबर. अब यहां पर आपका डिमांड कर्व कैसा जाएगा? इस तरह से जाएगा. अब यहां पर आपका डिमांड कर्व मैं ऐसा लिखूं, यहां पे ये D1 रहेगा, ये D1 रहेगा. अब इक्विलिब्रियम देखो आपका इस पॉइंट पे आया, ये E1 रहेगा. आपका क्वांटिटी क्या हो गया? कम हो गया. और आपका प्राइस भी क्या हो गया? कम हो गया. इसको मैं P1 बोलूंगा, इसको मैं Q1 बोलूंगा. अब यहां पर सिचुएशन क्या रहेगा? प्राइस क्या होगा? कम होगा. क्वांटिटी भी क्या होगा? कम होगा. समझा? तो लोग पूछेंगे व्हाट विल बी द प्राइस, व्हाट विल बी द क्वांटिटी. मैंने चाहिए तो यहां पर है ना, उसमें लिखा है प्राइस फॉल, क्वांटिटी फॉल, मूवमेंट. इसका लिखा है, तुम लोगों को ये डायग्राम घर पे प्रैक्टिस करने का है. वैसे इंक्रीज इन सप्लाई रहेगा तो शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बनाने को आएगा सबको. शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बनाने आएगा आपको सबको. बराबर. और डिक्रीज इन सप्लाई वो भी शिफ्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बनाने को आएगा सबको. यस सर और नो सर? प्लीज मैसेज मी. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके ओके, वेरी गुड. अब आता है ये वाला टाइप का. अब ये जो क्वेश्चन है ना, इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई, ये पहले आपको समझना पड़ेगा. पहला, जब भी आपको इंक्रीज इन डिमांड या इंक्रीज इन सप्लाई अगर आता है, उस सिचुएशन में आपको ये देखना पड़ेगा कि इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई सिर्फ ऐसे लिखा है ना, तो वी हैव टू कंसीडर कि दोनों का प्रपोर्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा. क्या बोला? दोनों का प्रपोर्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा. वो क्या प्रपोर्शन रहेगा? देखो अब यहां पे देखो, दोनों का प्रपोर्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा. जो नो बोल रहे हैं ना, वो क्या है, वो रीजन भी स्पेसिफिक मेंशन करो. ठीक है? या किसको डाउट रहेगा तो एंड ऑफ द लेक्चर में मैं सॉल्व करता ही हूं, मैं उस टाइम पे करेगा. फटाक से आई हैव क्वेरी, जो भी क्वेरी रहेगा साथ में लिखो आई हैव क्वेरी, और जो क्वेश्चन रहेगा वो सीधा डाल देना. तो मैं क्या, जैसे जैसा मुझे मैसेज मिलेगा वैसे वैसे उसका रिप्लाई भी मैं करते रहूंगा बीच में. ठीक है? अब यहां पर तुम लोगों का डिमांड का और क्या रहेगा, इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई बोला, मतलब दोनों का प्रपोर्शन क्या रहेगा, सेम प्रपोर्शन रहेगा. सो मतलब मैं यहां पर इंक्रीज इन डिमांड बोल दो, शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रहेगा. मतलब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे D1 और इसको D1 बोलेंगे. और सप्लाई कर्व भी इंक्रीज हुआ, शिफ्टेड फ्रॉम क्या रहेगा, लेफ्ट टू राइट रहेगा. यहां से भी तुम्हारा सप्लाई कर्व क्या होगा, शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो जाएगा. अब ये तुम्हारा क्या हो गया, S1. ये तुम्हारा क्या रहेगा, S1. अब यहां पर आपका क्वांटिटी जो रहेगा ना, इस तरह से कांस्टेंट रहेगा. प्राइस तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा और क्वांटिटी तुम्हारा क्या रहेगा, बढ़ जाएगा. ये क्वांटिटी बढ़ गया और प्राइस क्या हो गया, कांस्टेंट है, और क्वांटिटी मेरा क्या हो गया, बढ़ गया. तो यहां पर मैं लिखूंगा प्राइस मेरा क्या हुआ, कांस्टेंट. ओके, यहां पर मैंने शायद लिखा है, देखो प्राइस मेरा क्या है, कांस्टेंट. क्वांटिटी मेरा क्या हुआ, राइस हुआ. अब इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो गया. इक्विलिब्रियम शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो गया. देखो यहां पे मेरा E से E1 हो गया. अब ये क्या दिख रहा है तुमको, शिफ्टेड मिलेगा. समझा? ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है. अगर इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज इन सप्लाई बोला, दोनों भी क्या रहेगा, सेम प्रपोर्शन में रहेगा.
समझा, तब दोनों भी प्रपोजिशन सेम में रहेगा तो एक चीज आपका कांस्टेंट रहेगा, यहां पे आपका इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज इन सप्लाई बोला है तो आपका प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सबको समझ में आया क्या? यस सर और नो सर, क्योंकि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबको समझा क्या? यस सर और नो सर? यस सर और नो सर? अभी जो नोट्स भेजा वो वाला फाइनल है। इधर शिफ्टेड इसलिए बोला क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह में ये हो रहा है, एक जगह से दूसरा। देखो मूवमेंट कैसे होता है, अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड होता है, और लेफ्ट से राइट जाएगा शिफ्ट, यहां से वहां पे जाएगा तो शिफ्टेड बोलेंगे। लेकिन वहां पे वर्ड कौन सा यूज किया अपने? मूवमेंट वर्ड यूज किया। समझा? तो याद रखना इसमें एक चीज आपको एक चीज ध्यान में रखने का पहला चीज आपको एक चीज ध्यान में रखने का कि एक इस वाले टाइप के अंदर चार टाइप के डायग्राम, एक होता है इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज इन सप्लाई, दूसरा इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन सप्लाई, इसमें इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज इन डिक्रीज इन डिमांड इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन सप्लाई। ये सब में सबका प्रपोर्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखने का, ये चार डायग्राम में एक चीज आपका कॉन्स्टेंट रहेगा, प्राइस कॉन्स्टेंट रहेगा या क्वांटिटी कॉन्स्टेंट रहेगा। यस, इक्वली इंक्रीज होगा तो, लेकिन प्रपोर्शन दोनों का क्या रहेगा, एग्जैक्ट क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। सबको समझा? चलो मैं चाहिए तो एक डायग्राम बना डालता हूं मैं इसमें। देखो ये वाला इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई का बनाता हूं। अब इसमें देखो, इसके पहले वाले इसमें क्या किया अपने? प्राइस कांस्टेंट था, बराबर। मैंने क्या बोला, चार डायग्राम में एक चीज कांस्टेंट रहेगा। अपन ये वाला डायग्राम देखते हैं। अब इंक्रीज इन डिमांड और क्या लिखा, इंक्रीज इन सप्लाई। अब एक इसमें सबसे पहले आपको ये ओरिजिनल चीज तो बनाना ही है, एज इट इज ये आपको ओरिजिनल चीज बनाना ही है, ठीक है? इसमें कुछ ये नहीं कर सकते। अब इसके अंदर क्या बोला लोग ने, इंक्रीज इन डिमांड बोला, मतलब शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा, ये तुम्हारा इंक्रीज इन डिमांड हो गया। मैं इसको बोलूंगा डी वन। और लोग ने क्या बोला, डिक्रीज इन सप्लाई बोला है, मतलब आपका शिफ्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट होगा। तो ये देखो, ये शिफ्टेड फ्रॉम तो ये आपका क्या हो जाएगा, इधर मैं S1 बोलूंगा, जहां पे D1 और S1 मिलेगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। यहां पर आपका क्वांटिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और प्राइस आपका क्या होगा, बढ़ेगा। एक चीज आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इस चीज में आपका क्वांटिटी क्या रहेगा, प्राइस क्या रहेगा, राइज हो गया, क्वांटिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और यहां पर इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, अपवर्ड रहेगा। यहां पर मैं तुमको इक्विलिब्रियम का एक छोटा सा एक पार्ट बता देता हूं ताकि तुमको और अच्छे से समझ में आए। समझो मेरा इक्विलिब्रियम यहां पर है, ठीक है? इस तरफ इक्विलिब्रियम गया ना, मतलब मैं बोलूंगा ई वन गया। समझो मैं ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूं, ई से ई वन गया, इसको मैं बोलूंगा शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहां पर अगर इक्विलिब्रियम गया, इसको बोलूंगा मैं शिफ्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यहां पर आपका इक्विलिब्रियम गया, इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम अपवर्ड। यहां से आपका यहां पर इक्विलिब्रियम गया, इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम डाउनवर्ड, ठीक है? अगर यहां से ऐसा इक्विलिब्रियम गया इस तरफ, यहां से यहां पर इक्विलिब्रियम गया, इसको बोलेंगे मूवमेंट अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहां से यहां पर इक्विलिब्रियम गया, इसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम क्या है, मूवमेंट डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहां पर आपका इक्विलिब्रियम आया, मूवमेंट डाउनवर्ड बट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये आपका इक्विलिब्रियम आ गया, इसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, अपवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। समझ में आया? ये मैंने सब चीज बता दिया इसके अंदर, इक्विलिब्रियम कैसा रहेगा। एक लेफ्ट साइड में जाएगा तो उसको शिफ्टेड बोलेंगे, राइट साइड में गया तो शिफ्टवर्ड बोलेंगे,
राइट के कॉर्नर पे जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, मूवमेंट बोलेंगे। सबको समझा ये? यस सर और नो सर? समझा कि नहीं समझा? यस सर और नो सर? बच्चा लोग प्लीज बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। ओके समझा? ओके वेरी गुड। अच्छा अब है ना थोड़ा सा अलग वेरिएशन। देखो इसमें तीन वेरिएशन का, पहले वाले वेरिएशन में हम लोग ने सिर्फ इंक्रीज इन डिमांड बोला, सेकेंड वाले वेरिएशन में हम लोग ने बोला इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन सप्लाई बोला। अब थर्ड वेरिएशन मतलब अलग तरीका का, इसमें सेकेंड वाले वेरिएशन में क्या बोला, इंक्रीज इन डिमांड इंक्रीज इन सप्लाई बोला, तो उसका प्रपोर्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा मैंने बोला। अब ये थर्ड जो वेरिएशन है इसमें इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई रहेगा, इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई रहेगा। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे तो एक बार वो देख लेते हैं। एक डायग्राम बताऊंगा उसका, बाकी के बहुत सारे डायग्राम है, तुम लोग वो देखकर डायग्राम बना डालना उसके अंदर, ठीक है? तो लेट्स सी। अभी तुम्हारे सामने क्वेश्चन क्या है, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, मतलब आपका डिमांड भी बढ़ रहा है सप्लाई भी बढ़ रहा है, लेकिन आपका डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब इसका प्रपोर्शन दोनों का सेम नहीं है, ठीक है? लेट्स सी। अब मैंने बोला इंक्रीज इन डिमांड इज मोर ना, तो एक चीज याद रखना आपका जो डिफरेंसेस रहेगा वो बहुत ज्यादा रहना चाहिए। मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया यहां पे, डी वन हो गया। मैं ऐसा बोला डिमांड 20% से बड़ा, ठीक है 20% से बड़ा, और सप्लाई भी मेरा बड़ा लेकिन डिमांड का जो डिफरेंसेस है उससे कम बड़ा, मतलब मेरे यहां से सप्लाई को बना। यहां से सप्लाई को बना। अब यहां पर तुमको क्या मिलेगा, इधर S1 मिलेगा। अच्छा अब देखो यहां पर आपको E1 मिलेगा, ठीक है? अब यहां पर आपको E1 मिला मतलब यहां से आपने यहां तक डाउनवर्ड किया, ये आपका Q1 रहेगा और यहां पर आपका ये क्या रहेगा, P1 रहेगा। अब यहां पर तुमको क्या दिख रहा है, मेरा प्राइस क्या हुआ सर, सरप्राइज मेरा राइज हुआ। क्वांटिटी मेरा क्या हुआ, क्वांटिटी भी मेरा राइज हुआ। मैं ऐसा बोलूं चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन चेंज इन प्राइस, सर देखो ऐसा ये जो डिफरेंसेस है चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन चेंज इन प्राइस, समझा? अब यहां पे इनका प्रोपोर्शन सेम नहीं रहेगा। अब यहां पे सर इक्विलिब्रियम के बारे में लिखने का क्या, नहीं लिखने का। क्यों नहीं लिखने का सर, क्योंकि इक्विलिब्रियम एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं हो रहे, पहले वाले जितने भी डायग्राम रखे थे एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे, वो कनेक्ट हो रहे थे, यहां पे वो कनेक्ट नहीं हो रहे, इसके लिए इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग लिखेंगे नहीं। समझ में आया क्या? यस सर और नो सर? यस सर और नो सर? अरे बोलने का रे बच्चा बाबा, मेरे को थोड़ा सा मालूम पड़ता है कि मेरा बात कोई सुन रहा है क्या, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है वो कैमरा के आंखों को देखकर मुझे लग रहा है मैं किससे बात कर रहा मालूम नहीं, ऐसा लग रहा है कि वो एलियन से बात करो, एक ही कैमरा एक ही आंख है उधर, हाँ ऐसा कुछ करो, इसके लिए बार बार तुमको देखते रहता मैं, थैंक यू। तो अब इसी के अंदर आपको अलग अलग मिलेगा, इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज सप्लाई, मैंने यहां पे उसका मेंशन किया है क्वांटिटी क्या होगा और प्राइस क्या होगा करके, ठीक है? ये सब अलग अलग तरीके का तुमको क्या मिलेगा, इसमें डायग्राम तुमको मिल जाएगा, ठीक है? अब हम लोग आते हैं असली मुद्दे पे, अब जो आते हैं हम लोग असली मुद्दे पे, ठीक है? तुम सुन रहा है मैं रो रहा है, सुन रहा है रो रहा हूं मैं फालतू था, ठीक है? फीचर्स ऑफ क्या लिखा है, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तुमको मालूम रहेगा ये 12th स्टैंडर्ड में तुम लोग ने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन, तुमको ऐसा बोला रहेगा इट इज एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, टेक्निकली इट इज नॉट एन इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, इट नॉट एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट। सब परफेक्ट कंपटीशन जो रहेगा तुम लोग ने फीचर्स पढ़ा रहेगा, वहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर रहेगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर में सिंगल बायर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्रोडक्ट, सिंगल बायर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, सिंगल सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस,
होमोजीनियस प्रोडक्ट, सब प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, उसको बोलेंगे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स होना चाहिए। यही एक क्वेश्चन पॉइंट है जिसके वजह से रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। फिर बाद में आता है सिंगल प्राइस, सिंगल प्राइस डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ मार्केट फोर्स, ये पढ़ा रहेगा सब तुम लोग ने। उसके बाद आप लोगों ने फ्री एंट्री एंड एग्जिट, मोस्ट आईएमपी फीचर, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट क्या बोलता है, एंट्री कब करेगा जब सुपरनॉर्मल प्रॉफिट होगा, और एग्जिट कब होगा जब वो लॉस होगा। तो एंट्री और एग्जिट, एंट्री कब होगा प्रॉफिट होगा, और लॉस कब होगा, लॉस हुआ तो क्या करेगा एग्जिट करेगा। ये पांच पॉइंट, ये जो पांच स्टार्टिंग के जो पांच पॉइंट लिखे ना, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, होमोजीनियस प्रोडक्ट, ये जो पांच पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं प्योर कॉम्पिटिशन। ये भी आपको एग्जाम में पूछा था लास्ट टाइम में, ये जो पांच पॉइंट है इसको हम लोग बोलेंगे प्योर कॉम्पिटिशन, ठीक है। और उसके बाद ये जितने भी पॉइंट तुमको मिलेंगे ना जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। ये बोला नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, आज के टाइम में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्लूड होता है कि नहीं, होता है, लेकिन ये बोलता है नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। आज के टाइम में गवर्नमेंट इंटरवेंशन करता है कि नहीं, सर करता है सर, लेकिन ये बोलता है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। परफेक्ट नॉलेज, आज की तारीख में है क्या अपने पास, कौन सा प्रोडक्ट कब मालूम पड़ेगा, कौन सा बिकेगा मालूम नहीं पड़ेगा। अ बायर नो एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट बट सेलर डजंट, अ सेलर नो एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट बट बायर डजंट, ऐसे ही होता है ना। ये सुनो, इग्नोरेंस का पॉइंट बोला था जिसमें हमको परफेक्ट नॉलेज नहीं रहता उस चीज का। और ही इज द प्राइस टेकर, समझा, हमेशा ये क्या रहेगा, प्राइस टेकर रहेगा। अच्छा, यहां पर अपन नोट लिखते हैं ताकि अपन फॉर्मूला जितना अच्छे से करेंगे सम्स, इसमें भी कुछ ना कुछ सम पूछते हैं, हम वो सम भी कर लेंगे। क्या है देखो इसमें ना सम्स क्या पूछ सकते हैं। पहली बात कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू, जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम में टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला लिखा, टोटल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखा था, मालूम है ना, वैसे ये भी है सेम टू सेम, कुछ अलग नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है, यहां पर मैं लिखूंगा कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू में सबसे पहला रेवेन्यू जो रहेगा, मैं ऐसा बोलूंगा टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी। और भी है टोटल रेवेन्यू, टी आर एन इज इक्वल टू क्या रहेगा, एम आर वन प्लस एम आर टू प्लस एम आर थ्री प्लस डॉट 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 एम आर एन। और एक भी फॉर्मूला है टी आर एन इज इक्वल टू समेशन एम आर। और एक भी फॉर्मूला है टी आर एन इज इक्वल टू ए आर इंटू क्या रहेगा, क्यू। सेकेंड वाला फॉर्मूला ए आर इज इक्वल टू टी आर अपॉन क्यू। मैं टी आर को ऐसा लिख सकता हूं प्राइस इंटू क्वांटिटी अपॉन क्यू। ये क्वांटिटी क्वांटिटी कैंसिल, मतलब यहां पर आया प्राइस, ए आर इज इक्वल टू क्या रहेगा, प्राइस। थर्ड फॉर्मूला रहेगा मेरा एम आर, एम आर एन इज इक्वल टू टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस वन। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एम आर एन इज इक्वल टू डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। तुमको ये भी मालूम रहेगा मार्जिनल रेवेन्यू अगर बढ़ेगा तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल रेवेन्यू अगर फॉल होगा तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, मार्जिनल रेवेन्यू अगर कांस्टेंट रहेगा तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट, मार्जिनल रेवेन्यू अगर जीरो रहेगा तो टोटल रेवेन्यू क्या रहेगा, मैक्सिमम। मार्जिनल रेवेन्यू अगर नेगेटिव रहेगा तो टोटल रेवेन्यू क्या रहेगा, फॉल। मार्जिनल रेवेन्यू अगर बढ़ेगा तो एवरेज रेवेन्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैं ऐसा बोलूँ मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू अगर फॉल हुआ एवरेज रेवेन्यू भी क्या होगा, फॉल होगा। मार्जिनल रेवेन्यू विल भी रहेगा लेस देन क्या रहेगा, एवरेज रेवेन्यू। ये सबको समझ में आया फॉर्मूला, सबको समझ में आया तो यस सर डालो, तो मुझे मालूम पड़ेगा तुम जिंदा है। एंड प्लीज वीडियो को थोड़ा लाइक करो, ऐसा करना चाहिए, अच्छा लगता है। सबको समझ में आया ये सब क्या है, सबको समझाना, सबको समझा क्या ठीक है। चलो
अब हम लोग आते हैं यही कौन सा वाला, कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा, ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला जो रहेगा, ये जो हम लोग ने लास्ट टाइम जो हम लोग ने किया था ना टोटल यूटिलिटी में, हम लोग ने लिखा था ना टी यू अगर राइज हुआ, एम यू अगर राइज हुआ तो टी यू विल बी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, जहां पे यू है वहां पे मैंने क्या लिख दिया, आर लिख दिया। मैंने वही बोला वो एक बार फॉर्मूला बाहर हो गया, वो यू की जगह पे आर लिखो, वो यू की जगह पे पी लिखो, यू की जगह पे सी लिखो, तुम लोग का फॉर्मूला वैसे ही सिमिलर बनने वाला है। एम आर टी आर रिलेशन हम लोग वो करने वाले। मार्जिनल रेवेन्यू कभी भी बढ़ता है तो, मैंने तुमको बोला मार्जिनल मतलब एडिशन, पहला जितना था उससे ज्यादा हुआ तो मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल एक आउटपुट बेचा मैंने 10 रुपए कमाया, दूसरा आउटपुट बेचा मैंने 2200 रुपए, सॉरी एक आउटपुट बेचा 10 रुपए कमाया, दूसरा वाला आउटपुट, दो आउटपुट बेचा मैंने 22 रुपए कमाया, एक आउटपुट बेच के 10 रुपए, दूसरा वाला आउटपुट बेच के, दो वाला दो आउटपुट बेचकर 22 रुपए हो गया। तो पहले वाला आउटपुट 10 रुपए का था, दूसरा वाला आउटपुट पहले से भी ज्यादा था, तो मेरा रेवेन्यू तो बढ़ गया ना, तो MR मेरा क्या हो गया, बढ़ गया। तो MR जब बढ़ता है तो टोटल रेवेन्यू कभी भी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट है। ये बारे में मैंने इसके पहले सब लेक्चर्स में मैंने बताया, अगर किसी ने नहीं देखा रहेगा तो पहले वाला लेक्चर प्लीज देखो, तो ही वो अच्छे से समझेगा, अदरवाइज इन बिटवीन आपको नहीं समझेगा ये, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला। आपको मालूम रहेगा यहां पे प्राइस रहेगा, यहाँ पे आपका क्वांटिटी रहेगा, यहाँ पे आपका टोटल रेवेन्यू रहेगा, ये आपका एवरेज रेवेन्यू रहेगा, ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ, हम लोग परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग है ना परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ रहे हैं। अब परफेक्ट कंपटीशन के इसके अंदर मुझे बताओ, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस जो था, आप लोग ने फीचर्स अगर पढ़ा रहेगा तो उसमें प्राइस क्या था, सिंगल प्राइस था, तो प्राइस में कुछ चेंज नहीं होगा। तो मैं प्राइस इधर लिखता हूं 10 10 10 10 10 10 10 10 10, अटक नहीं गया, 10 10 ही बोल रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पे रहेगा नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 1 10 10 2 20 30 40 50 60 70 80 90 100। अब यहां पर तुम्हारा क्या आएगा, ए आर ना टी आर अपॉन, ये कितना आएगा 10, कितना आएगा 10 10 10 10 10 10 10 10, मतलब टी आर अपॉन क्यू 10/1 हो गया, राइट। एम आर इज इक्वल टू क्या रहेगा, TRn - TRn - 1 होता है, बराबर। तो यहाँ पे कितना आएगा 10 - 0, तो कुछ नहीं आएगा, तो इधर कितना आएगा 10 आएगा, इधर भी कितना आएगा 10 10 10 10 10 10 10 10। तुम एक चीज नोटिस किया क्या, यहाँ पे प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू क्या रहेगा डीडी, समझा, पी इज इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू क्या रहेगा डीडी, सब क्या रहेगा सेम रहेगा। अब यहां पर मैं अगर डायग्राम बनाऊंगा, यहां पे तुम्हारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, यहां पे लिखूंगा मैं प्राइस और यहां पे लिखूंगा रेवेन्यू और यहां पे मैं क्या लिखूंगा आउटपुट। मुझे बता प्राइस यहां पे क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, बराबर ना। तो मैं ऐसा लिखूं, ये P इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने डीडी, एक बार क्या लिखा डीडी, समझा क्या। तो यहां पर मेरा हमेशा P इज इक्वल टू क्या रहेगा, कौन सा वाला 10 10, कैसे आया क्या 10 10 वाला, मैंने बोला ना ए आर बोला तो क्या होगा 10 TR/Q ना, TR तुम्हारा 10 है, 10/1 कितना आएगा 10, 20/2 आएगा कितना 10। अच्छा MR कैसे निकालेगा, तुम्हारा 10 है, 10 - 0 कुछ नहीं है, 20 - 10 10 है, 30 - 10 कितना है, 30 - 20 कितना है 10, 40 - 30 कितना है 10, तो हर बार क्या आएगा 10 10 ही आएगा,
समझ में है ना? तो इसका कर्व कैसा रहेगा? अच्छा, ये जो कर्व है तुम लोग ने इसके पहले भी डायग्राम बनाया? हाँ सर, कौन से? इसमें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इनफाइनाइट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सब चीज इसके अंदर होता है, समझा? उसके अंदर रहेगा। क्लियर है ये वाला पार्ट? सबको समझ में आया क्या? सबको समझा ये वाला पार्ट? ओके ओके। अब आता है जो मोस्ट आईएमपी, मोस्ट आईएमपी कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मैं वापिस बता रहा हूं, मैं जो अभी बताने जा रहा हूं ये चैप्टर का, अगर मैं आठ कंडीशन बताने वाला हूं, वो आठ कंडीशन अगर आपने अच्छे से समझ के लिया, एकदम परफेक्ट समझ के लिया, तब आपको मार्केट चैप्टर का 50% एमसीक्यू तुम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका लेवल ऑफ अटेंशन का इट शुड बी 1000%। तुम लोग आजू बाजू में देख रहे हैं, इधर जा रहे, नींद आ रहा है, वो आ रहा है, फटक जगह मुंह धो के आने का, नहीं तो यहाँ पे बाजू वाला दोस्त से बात कर रहा है, मम्मी बुला रहे, सबको बाय फोकस्ड, तो ही आपका एमसीक्यू होगा, तो नहीं तो नहीं होगा। जो अभी मैं कंडीशन ले रहा हूं, सब लोग 100% अटेंशन है, सब लोग डालो 100%, 100 लिखो, 100%, 1000% लिखा तो चलेगा, लेकिन सब लोग लिखो। चलो तो ये मैं स्टार्ट करूंगा। फोकस्ड स्टार्ट करूं? 10000%, वेरी गुड। बस तुम लोग अगर 100, मैं जैसा बता रहा हूं एकदम अच्छे से ध्यान से सुने ना, तो ही होगा, नहीं तो बहुत जन बोलेगा अरे सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ऐसा बोलने वाले बहुत जन मिलेगा। बस इतना ही लेवल का फोकस रखो जितना तुम लोग बता रहे। मार्क मैं अभी चार कंडीशन पहला लूंगा, बाकी का चार कंडीशन बाद में लूंगा, मतलब अभी लूंगा कंटिन्यू में, लेकिन फोकस करके करो, ठीक है? देखो कंडीशन क्या क्या है, पहला मैं लिखता हूं फिर देखना। फर्स्ट कंडीशन, एम आर इक्वल टू एम सी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम आउटपुट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम रेवेन्यू। सेकेंड कंडीशन, एमसी कर कट एमआर फ्रॉम बिलो। तीसरा कंडीशन, एम आर इज ग्रेटर देन एम सी। फोर्थ कंडीशन, एम आर इज लेस देन एम सी। सर कुछ नहीं समझा, इसलिए नहीं समझा क्योंकि मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं, मैं जानबूझकर ये लिखा है, पहला ध्यान से देखना क्या है करके। पहला मुझे बताओ, अपने ना लास्ट लेक्चर में मार्जिनल कॉस्ट के बारे में पढ़ा था, और वो मार्जिनल कॉस्ट कैसा था? पहला फॉल होता है, मिनिमम होता है, फिर बाद में राइज होता है, बराबर ना? याद है ना? तो हम लोग है ना मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में पढ़ा। मार्जिनल रेवेन्यू कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, जैसे कि देखो डायग्राम, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन, यहां पर क्या रहेगा आउटपुट, यहां पे प्राइस, कॉस्ट और क्या रहेगा रेवेन्यू। तुमको मालूम है यहां से मेरा स्ट्रेट लाइन क्या गया, मैं इसको क्या बोलता है, पी इज इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू डी डी, जो इसके पहले हम लोग ने किया था। मैं अभी यहां पे सिर्फ एम आर लिखता हूं, क्यों सर? क्योंकि अपन एम आर और एम सी का रिलेशन ले रहे हैं, इसके लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, एम आर लिख रहे हैं, ठीक है? अब यहां पर आप है ना एम सी कर्व, MC curve जो है वो पहला क्या होता है, फॉल होता है, मिनिमम होता है, फिर बाद में राइज होता है, ये आपका क्या है MC curve है। पहला फॉल होता है, मिनिमम होता है, फिर बाद में क्या होता है, राइज होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, MC curve।
अब है ना यहां पर यस यू शेप में रहता है आपका एमसी कर्व। अब यहां पे मैं पहले सेकंड कंडीशन बताऊंगा, पहले फर्स्ट कंडीशन बाद में बताओ, लेकिन पहले सेकंड कंडीशन बता दो। सेकंड कंडीशन देखो, एमसी कर्व कट एमआर फ्रॉम बिलो। आपका एमआर ऐसा हॉरिजॉन्टल है, एमसी का ऊपर से भी कट कर रहा है और नीचे से भी कट कर रहा है, बराबर। तो वो क्या बोलता है, अगर आप ऊपर से अगर वो कट कर रहे हैं या नीचे से कट कर रहे हैं, आप हमेशा जो नीचे से कट करता है उसी को आप क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। आप बोलेंगे सर क्यों बोलेंगे हम जबरदस्ती उसको क्यों बोलेंगे, ये जो पार्ट है इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलेंगे, क्योंकि ये नीचे से क्या करता है, कट करता है। वो क्यों बोलेंगे, ये खाली कंडीशन बता रहा हूं, एक ऊपर से भी कट करता है नीचे से भी कट करता है, लेकिन वो बोल रहा है नीचे से कट होना चाहिए, वो क्यों होना चाहिए मैं बता रहा हूं। एक मिनट वेट करना, थोड़ा सुनना ध्यान से। पहला रीजन, एक एग्जांपल देता हूं, वो एग्जांपल से आप थोड़ा समझ के बोलना, ठीक है। मैं यहां पर लिखा टोटल कॉस्ट और यहां पर टोटल रेवेन्यू, ठीक है। यहां पर मैं 10,000 रुपया खर्चा करता था तो मेरे को 20,000 क्या मिलने लगा, रेवेन्यू मिलने लगा, ठीक है। जब मैं 10,000 रुपया खर्चा करता था तो मुझे 20,000 रुपया रेवेन्यू मिलता था। अगर मैंने 20,000 रुपया अगर खर्चा किया तो मुझे 50,000 क्या मिलने लगा, रेवेन्यू मिला, ठीक है। 50,000 मुझे क्या मिलने लगा, रेवेन्यू मिलने लगा। तो मुझे कोई बताएगा यहां पे इधर मेरा मार्जिनल कॉस्ट क्या था, मार्जिनल कॉस्ट कितना रहेगा, कितना डिफरेंसेस इन टोटल कॉस्ट है, सर 10,000 है, बराबर। और कितना मेरा मार्जिनल रेवेन्यू का डिफरेंसेस है, सर मेरा 30,000 है। देखो ये क्या बोलता है, जब मैंने 10,000 डाला तो 20,000 निकला, जब मैंने एडिशनल 10,000 डाला तो मेरा 30,000 निकला। तो मतलब मैं बोलू यहां पर एम आर इज ग्रेटर देन एम सी, क्या रहेगा, एम आर इज ग्रेटर देन एम सी। वापिस बोल रहा, ध्यान से सुनना, 10,000 डाला तो 20,000 निकला, एडिशनल 10,000 मतलब 20,000 डाला तो एडिशनल कितना निकला मेरा, 30,000 निकला ना, मतलब 50,000 हुआ, राइट। 10,000 डाला 20,000 निकला, 20,000 डाला 50,000 डाला, तो इसमें एडिशनल कितना हुआ 10,000, इसमें एडिशनल कितना हुआ 30,000, तो आपका एम आर ज्यादा हुआ ना। तो मुझे बताओ जब 10,000 डाल के 20,000 डाल रहा हूं और एडिशनल 10,000 डाला तो 30,000 निकल रहा है, आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए, मुझे आप बताओ प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए, वो आप बताओ प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए, वो आप बताओ। यस, यहां पे आपका क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो आपका इंक्रीज इन क्या रहेगा, प्रोडक्शन रहेगा, बराबर ना, क्योंकि आपका यस इंक्रीज इन प्रोडक्शन रहेगा, बराबर। अब हम लोग है ना डायग्राम में जाते हैं। अब डायग्राम में तुम देखो ना, यहां पर ये पार्ट दिख रहा है, उसका कलर यूज करता हूं, देखो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये पूरा पार्ट है ना, ये वाला पूरा ये दिख रहा है ना, इधर देखो तुम लोगों को मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा दिख रहा है, बराबर ना। मार्जिनल रेवेन्यू क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है, और मार्जिनल कॉस्ट उसके नीचे दिख रहा है ना, ये मार्जिनल रेवेन्यू उसके नीचे से जा रहा है ना, तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, कम है। तो आपका ये वाले पार्ट में एम आर इज ग्रेटर देन एम सी है, तो आपको प्रोडक्शन क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, परफेक्ट। आपका प्रोडक्शन क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो मतलब अगर समझो मैंने यहां से यहां पर किया तो मेरा प्रोडक्शन क्या करना चाहिए, और बढ़ना चाहिए, और यहां पे से लाइन गया और प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, यहां से लाइन गया और प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, यहां तक लाइन गया आपका और प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। जहां जहां पे आपका एम आर इक्वल टू एम सी रहेगा आपका प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ये कंडीशन आपको समझा, पहला वाला, थर्ड वाला कंडीशन सबको समझा रहेगा, यस सर और नो सर। यस सर और नो सर, यस सर और नो सर। यस सर और नो सर, ओके। अब सेकेंड, ओके, अब ये वाला कंडीशन भी थोड़ा समझना, ये एकदम अलग है, और थोड़ा समझाओ मेरे को, तुम लोग फटाक से आंसर दे देना, ठीक है।
अगर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू है, ठीक है, यहाँ पर मैं 10,000 रुपया डालता था तो यहाँ पे मेरा 20,000 रुपया मेरा रेवेन्यू निकलता, ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल है, ठीक है, ये मेरा क्या है, ओरिजिनल है। जब 10,000 डालता था तो 20,000 रहता था। ओके, वही मैं बता दो, देखो तुमको समझ में आएगा, अभी रिपीट लेक्चर में मैं बता दूंगा क्या है करके। टोटल कॉस्ट यहाँ पे 10,000 है, टोटल रेवेन्यू कितना है, 20,000 है, अगर ये मेरा ओरिजिनल है। अब मेरा यहाँ पे ना 10, टोटल कॉस्ट है ना 10,000 से कितना हो गया, 20,000 हो गया, और यहाँ पर मेरा ये 30,000 हो गया। तो मुझे बताओ मेरा मार्जिनल कॉस्ट कितना हुआ, यहाँ पे 10,000 हुआ, और मेरा यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कितना हुआ, 10,000 हुआ। तो यहां पर मेरा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट क्या रहेगा, कोई मेरे को बताएगा, मैसेज करके बताएगा तो तुमको अच्छे समझ में आएगा, मेरे को इसका आंसर दो क्या रहेगा, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट क्या रहेगा, इसका आंसर दो तुम लोग। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट क्या रहेगा, उसका आंसर दो। वहां पे मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट था, तो यहां पे मार्जिनल रेवेन्यू इज क्या रहेगा, बराबर रिया, इधर मार्जिनल रेवेन्यू विल बी लेस देन मार्जिनल कॉस्ट रहेगा, मार्जिनल रेवेन्यू क्या रहेगा, लेस देन मार्जिनल कॉस्ट रहेगा। अब ये थोड़ा समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। बोलेगा सर यहाँ पे भी 10,000 है, यहाँ पे भी 10,000 है, आप लेस देन वन कैसे बोल सकते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होना चाहिए था, अलग क्यों बोला। सुनो, जब मैं 10,000 डाल रहा था ना तो मेरा 20,000 निकल रहा था, बराबर, तो मैं 20,000 जब डालूंगा ना तो 40,000 जब निकलता था ना तो एम आर इक्वल टू एम सी होता था, लेकिन वो 40,000 से कम निकला इसके लिए एम आर इज लेस देन एम सी है, और अगर 40,000 से ज्यादा निकला तो एम आर इज ग्रेटर देन एम सी है, जो आपने इसके पहले वाले केस में किया ना, बराबर, पहले 10,000 डाला तो 20,000 निकलना चाहता, तो 20,000 में कितना निकलना चाहिए, 40,000 निकलना चाहिए था, 40,000 से क्या निकला, कम निकला, बराबर ना, तो आपका एम आर इज क्या रहेगा, लेस देन एम सी रहेगा। होप सो सबको समझा रहेगा ये। तो आपका डायग्राम में कैसे दिखेगा, ये देखो ये वाला पार्ट दिखेगा, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है पूरा आपका, ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम आर इज लेस देन क्या रहेगा, एम सी। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे कि कम करोगे, जब मैं 10,000 डाल रहा तो 20,000 निकल रहा था, 20,000 डाला तो सिर्फ, और एडिशनल 10,000 डाला तो 10,000 निकल रहा है, पहले से कम निकल रहा है, तो मैं प्रोडक्शन करके कुछ मतलब नहीं है, तब ऐसे सिचुएशन में प्रोडक्शन क्या करूंगा मैं, डिक्रीज इन प्रोडक्शन क्या रहेगा, डिक्रीज इन प्रोडक्शन, मतलब अगर समझो आपका इतना आउटपुट रहेगा तो आप प्रोडक्शन क्या करोगे, कम करोगे, इतना आउटपुट रहेगा तो आप प्रोडक्शन क्या करोगे, कम करोगे, अगर इतना आउटपुट रहेगा तो आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, क्योंकि एमआर इज ग्रेटर देन एमसी है, वो केस में एमआर इज लेस देन एमसी था, यहां पे आपका एमआर इज क्या रहेगा, ग्रेटर देन एमसी है, यहां पर भी आप प्रोडक्शन क्या करोगे, बढ़ाओगे, मतलब। तो मुझे तुम बताओ, अभी मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, अभी जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, जब एम आर इज ग्रेटर देन एम सी है तो आप प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहे हो, जब एम आर इज लेस देन एम सी है तो आप प्रोडक्शन कम करने की बात कर रहे हो, तो प्रोडक्शन कब तक करना चाहिए, कब, जब तक आपका इक्विलिब्रियम मिलता है, उसको हम लोग बोलेंगे एम आर शुड बी इक्वल टू एम सी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, इसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। एम आर इज ग्रेटर देन एम सी रहेगा तो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, एम आर इज लेस देन एम सी तो प्रोडक्शन कम करना चाहिए, तो प्रोडक्शन हम कब तक करना चाहिए, जब तक एम आर इज इक्वल टू एम सी होता है, उसी पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं, जो यहाँ पे आपने लिखा है एम आर इक्वल टू एम सी, हमको क्या मिला, इक्विलिब्रियम मिला। ओके, और ये अगर देखोगे ना तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका क्या है, मैक्सिमम आउटपुट है,
ये आपका क्या है मैक्सिमम आउटपुट। क्यों सर MR is greater than MC का तो प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, MR is less than MC तो प्रोडक्शन कम कर रहे हो, कहां तक कर रहे हो? इक्विलिब्रियम तक कर रहे हो। वो इक्विलिब्रियम ही आपका क्या रहेगा मैक्सिमम आउटपुट रहेगा, उसी पॉइंट पे आपको कॉस्ट मिलेगा, उसी पॉइंट पे आपको मैक्सिमम रेवेन्यू मिलेगा जो हम लोग आगे वाले डायग्राम में करेंगे। तो ये जितना मैंने कंडीशन लिखा है ये सबको चार कंडीशन अगर अच्छे से समझ में आया तो तुम लोग का बहुत हद तक काम हो गया इसके अंदर। यस सर और नो सर, 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 यस सर और नो सर। यस सर और नो सर, सब लोग मैसेज करने का बच्चा लोग प्लीज। यस सर और नो सर, सही बात है, जबरदस्त, मजा आ गया। इंपॉर्टेंट पार्ट तुम लोग ने सॉल्व कर दिया। अगर ये तुमको समझ में आया बोला तो अपने ना बहुत हद तक है ना बहुत सारा डायग्राम आगे वाला बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक बार मेरे साथ बोलेंगे तुम लोग MR इक्वल टू MC, इक्विलिब्रियम मैक्सिमम आउटपुट कॉस्ट मैक्सिमम रेवेन्यू, MC कर्व कट MR फ्रॉम बिलो, MR इज ग्रेटर देन MC इंक्रीज इन प्रोडक्शन, MR इज लेस देन MC डिक्रीज इन प्रोडक्शन। ठीक है ओके थैंक यू। अब ये हम लोगों का चार कंडीशन हो गया, अभी बाकी का भी तो कंडीशन बाकी है, चार कंडीशन और भी बाकी है। याद रखना ये जितने भी अपन डायग्राम बनाने वाले हैं ना, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, सब में ये काम आने वाला, सब में ये काम आने वाला। अब मुझे बताओ हम लोगों ने क्या किया, MR है तो MC है, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू है तो मार्जिनल कॉस्ट बनाए, बराबर। अब एवरेज रेवेन्यू रहेगा तो एवरेज कॉस्ट रहेगा, एवरेज रेवेन्यू रहेगा तो क्या रहेगा एवरेज कॉस्ट रहेगा। तो मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा पहला वो डायग्राम बनाने से पहले आपको समझ में आना चाहिए, एवरेज कॉस्ट ये कभी भी है ना दो चीज से बनता है, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मैं अगर बोला अगर एवरेज कॉस्ट रिकवर किया, मतलब आपने ये भी रिकवर किया ये भी रिकवर किया, बराबर ना। एक एग्जांपल लेते हैं, एक वड़ा पाव था जिसका प्राइस इज 10 रुपीज, तो मैं उसका बोला प्राइस कितना है 10 रुपीज है, तो बेचने का प्राइस ही उसका 10 रुपया रहेगा तो उसका बनाने का कॉस्ट कम रहेगा, बराबर। तो उसका प्राइस अपन ऐसा अज्यूम करते 8 रुपया उसका क्या रहेगा एवरेज कॉस्ट रहेगा, मतलब उसका कॉस्ट रहेगा। वही 8 रुपया में दो चीज रहेगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट भी रहेगा और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी रहेगा। मैं ऐसा बोलता हूं कि एवरेज फिक्स कॉस्ट 3 रहेगा तो ये कितना रहेगा 5 रहेगा, कितना भी आप चाहिए तो उतना लो, लेकिन एवरेज कॉस्ट में ये दोनों कॉस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, बराबर। अच्छा, ये प्राइस का दोनों का डिफरेंस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रॉफिट बोलेंगे, क्या बोलेंगे प्रॉफिट बोलेंगे, बराबर। तो मतलब अभी मैं जो बोल रहा हूं ये इसी डायग्राम के बेसिस पे, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट विद एवरेज वाला, हम अभी फिफ्थ कंडीशन रीड कर रहे हैं अभी, ठीक है। लेट्स सी फिफ्थ कंडीशन क्या बोलता है, फिफ्थ कंडीशन बोलता है एवरेज रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये जब सिचुएशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्या बोलते हैं इसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या, देखो इधर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, यहां पे प्राइस कॉस्ट और रेवेन्यू, ठीक है। मुझे बताओ यहां से तुम्हारा क्या आ गया, मैं ऐसा बोलता हूं ये मेरा AR रहेगा, क्या रहेगा AR, AR बोलो तो एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू बोलो तो ही प्राइस, याद है ना AR इक्वल टू प्राइस, हम लोग ने इसके पहले सम में करते वक्त हम लोग ने किया था, ओके। मुझे बताओ AC का कर्व हम लोग ने लास्ट लेक्चर किया था, याद है, वो भी यू शेप में होता है, और उसी के नीचे से कौन सा कर्व रहता है ABC कर्व होता है। मतलब यहां से अगर मैंने AC कर्व बनाया, ठीक है, इसी के नीचे से क्या जाएगा मेरा ABC कर्व जाएगा, ये मेरा AC कर्व, ये मेरा ABC कर्व, ठीक है,
मुझे एक बात बताओ, अगर यहां से यहां तक मैंने क्या किया, आउटपुट प्रोड्यूस किया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, यहां तक मैंने आउटपुट प्रोड्यूस किया, ये इसका क्या है प्राइस है। मैंने एक वड़ा पाव का एग्जाम्पल लिया, मैं ऐसा बोला ये 10 रुपीज का क्या है, यहां पे एक वड़ा पाव है, मतलब 10 रुपये में उसने क्या किया, बेचा। ठीक है, 10 रुपये में अगर बेचा रहेगा तो उसके अंदर एवरेज कॉस्ट रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो यहां पर ये जो है, मैं ब्लू लाइन से बना रहा हूं, ये देखो ये दिख रहा है, ये जो है ये मेरा क्या रहेगा, एवरेज कॉस्ट रहेगा। मतलब 10 रुपये का वड़ा पाव, ओपी इज योर प्राइस एंड ओपी वन इज योर एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो मुझे बताओ यहां पर ये जो डिफरेंसेस है, ये जो जो डिफरेंसेस है, ये वाला, ये मैं बोलूँ प्रॉफिट है, ये जो डिफरेंस है इसको मैं क्या बोलूंगा, प्रॉफिट है, यस और नो? ये जो पार्ट रहेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, प्रॉफिट बोलूंगा। तो मुझे बताओ ये जो है, ये वाला पार्ट मेरा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो मुझे बताओ ये ए पॉइंट है, ये बी रहेगा और ये सी रहेगा। तो ये जो कॉस्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये वाला पार्ट जो रहेगा ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट। और ये वाला पार्ट जो रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज कॉस्ट, इसको बोलेंगे एवरेज कॉस्ट। अब ये थोड़ा समझो प्लीज, वापिस बोल रहा हूं, अपन है ना ए क्यू बना ना, ए क्यू वो आपका क्या है, क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब ए क्यू जो है और ओपी जो है वो आपका क्या है, प्राइस है। पहला मैं क्या बोला, सबको समझ में आ रहा है क्या, यस सर और नो सर? तो मैं वापस बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक ही डायग्राम आगे का आपका 3 डायग्राम आपका सॉल्व करेगा। पहला बोलो यस सर और नो सर, प्लीज मैसेज डालो यस सर और नो सर, वेट कर रहा हूं मैं। वेट कर रहा हूं मैं। ठीक है, ओके ओके, वापिस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, वापिस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने ओपी, ये जो है ना ए क्यू जो है ना, ए क्यू और ओपी दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। ओके, तो मुझे बताओ ये जो सी क्यू जो है ना, ये सी क्यू ये किसको टच कर रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को टच कर रहा है। ये जो बी क्यू जो है ना, बी क्यू का डिस्टेंस ये एसी है, बराबर? अगर बी क्यू एसी है और सी क्यू एवीसी है, तो ये बी सी जो है ये डिफरेंस किसका रहेगा? देखो ना, एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एवीसी। अगर मैंने ऐसा बोला एएफसी के अंदर एसी माइनस एवीसी रहेगा, तो तुमको एवीसी मिल गया ये वाला पार्ट, एसी मिल गया ये वाला पार्ट, तो बचा जो डिफरेंसेस है इन दोनों के बीच में, वो तुम्हारा क्या रहेगा, एएफसी, जो मैंने लिख दिया वहां पे। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? यही वाला पार्ट मेरे को समझाने का, ध्यान से सुनने का, बस एक ही चीज याद रखना। आप लोग कभी भी डायग्राम बनाओगे ना, ये तुम्हारा एसी होता है और ये तुम्हारा क्या होता है, एबीसी होता है। अगर यहां से अगर प्राइस है, तो मतलब आपने इतना पार्ट ना रिकवर किया है, इतना पार्ट क्या किया आपने, रिकवर किया है। मतलब आपने एवरेज कॉस्ट भी रिकवर किया, प्रॉफिट भी रिकवर किया, एवरेज फिक्स कॉस्ट भी रिकवर, जब एवरेज कॉस्ट रिकवर किया मतलब दोनों भी कॉस्ट रिकवर किया, बराबर ना? मतलब यहां पे मैं ऐसा लिखूंगा ना, रिकवर क्या किया सर इसके अंदर, तो मैं बोलू एवरेज फिक्स कॉस्ट भी रिकवर किया, उसके पहले मेरे को लिखने का है प्रॉफिट रिकवर किया, एवरेज फिक्स कॉस्ट रिकवर किया और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिकवर किया। ठीक है, क्या क्या रिकवर किया, एवरेज फिक्स कॉस्ट रिकवर किया, प्रॉफिट भी रिकवर किया ना, एवरेज फिक्स कॉस्ट भी रिकवर किया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर किया। अपन एक और एक चीज बताए थोड़ा, एक एक इसके बाद वाला वापस एक बार ट्राई कर दो, ध्यान से सुनना, तुमको समझ में आएगा, रिपीट करने की जरूरत नहीं, वापस तुमको समझ में आएगा क्या है। समझो अभी यहाँ पे सिक्स्थ वाला रहेगा, उसने बोला एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं।
अब देखो डायग्राम ध्यान से देखना, इधर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन, इधर प्राइस, कॉस्ट और रेवेन्यू, इधर क्या रहेगा आउटपुट, ठीक है। यहां से गया यहां पे क्या मिलेगा तुमको, एवरेज रेवेन्यू मिलेगा, बराबर। इसने क्या बोला, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। पहले देखो एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के नीचे गया, एक चीज बोला थोड़ा ध्यान सुनना, ये तुम्हारा एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, ये एवरेज रेवेन्यू के नीचे से जाएगा ना, एवरेज रेवेन्यू जो है उसको टच या उसके नीचे से कुछ भी गया वो सब चीज रिकवर किया, वो सब चीज क्या किया, रिकवर किया। एवरेज रेवेन्यू को टच करके गया रहेगा कोई भी कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू के नीचे से कोई भी चीज गया रहेगा तो दैट मीन्स ही हैज रिकवर दैट कॉस्ट। तो मुझे बताओ ओके इसके बाद देखो क्या, सॉरी ये तुम्हारा क्या रहेगा, एवरेज कॉस्ट रहेगा, ठीक है, और इसी के नीचे से क्या आ जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जाएगा, ठीक है, यहां से एवरेज कॉस्ट जाएगा, इसी के नीचे से क्या जाएगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जाएगा। तो मैं यहां से यहां तक अगर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हूं, ये ए रहेगा, ये बी रहेगा, यहां तक कौन सा रहेगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रहेगा, ये वाला पार्ट क्या रहेगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट रहेगा। तो मुझे बताओ यहां पे प्रॉफिट रिकवर किया क्या, प्रॉफिट रिकवर किया क्या, एक मिनट पानी पी लेता हूं। इसमें हाँ, इसमें क्या क्या रिकवर किया, इसमें प्रॉफिट तो रिकवर नहीं किया, तो क्या नहीं, क्या क्या रिकवर किया, तो देखो यहां पे एवरेज फिक्स कॉस्ट रिकवर किया और क्या किया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिकवर किया, समझा, ये दो चीज रिकवर किया। तो वैसे ही यहां पे सेवेंथ वाला पॉइंट बता रहा हूं, यहां पे ए आर इज लेस देन ए सी और ए आर शुड बी इक्वल टू क्या रहेगा, एबीसी, इसको क्या बोलेंगे, शटडाउन पॉइंट बोलेंगे या इसको हम लोग बोलेंगे लॉस। तो यहां पर अगर डायग्राम तुम बनाएगा, ये तुम्हारा क्या हो गया ए आर, अब तुम्हारा क्या हो रहा है, एसी है ना ऊपर से जा रहा है और एवीसी इसको टच करके जा रहा है। तो मुझे बताओ क्या रिकवर होता रहेगा यहां पे, क्या रिकवर होता रहेगा, मैंने बोला ए आर को कुछ भी चीज टच करेगा तो रिकवर हुआ, तो यहां पे क्या रिकवर हो रहा है, क्या रिकवर हो रहा है, यस बराबर, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है। याद रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कब तक कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस करेगा, जब तक उसका वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करेगा, जब तक उसका वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करेगा तब तक वो बिजनेस करेगा, नहीं तो बिजनेस नहीं करेगा। समझ में आया क्या, यस और नो, ओके। तो ये वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करेगा, ठीक है। अच्छा एट पॉइंट तुम लोगों का कौन सा रहेगा, ए आर इज लेस देन ए सी और ए आर इज लेस देन ए बी सी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शट डाउन। अब ये वाला डायग्राम बनाएगा तो कैसे, इसमें रिकवर कुछ होगा क्या, ऑब्वियसली कुछ रिकवर नहीं होगा, इसमें कुछ रिकवर नहीं होने वाला है। तो तुम्हारा डायग्राम जो रहेगा ये तुम्हारा क्या रहेगा, एसी कर्व ऐसा रहेगा और ये तुम्हारा एबीसी कर्व ऐसा रहेगा। समझ में आया क्या, यस और नो, ठीक है। चलो अब है ना हम लोग है ना चार डायग्राम हम लोग समझ के लेते और करके लेते, कुछ भी रिकवर नहीं करेगा, राइट, बराबर, यहां पे कुछ भी रिकवर नहीं करेगा, नील रहेगा। अभी देखो यहां पर
मैं एक ही कॉमन डायग्राम बनाता हूँ, अपने मॉड्यूल में अलग अलग डायग्राम दिया, अपने बुक में भी अलग अलग डायग्राम दिया है, अपन अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही डायग्राम बनाता हूँ उसमें सब चीज कवर होगा। ठीक है, पहला है ना, ये डायग्राम बनाते वक्त दो तीन गोल्डन रूल पहला समझो। क्या तुम लोग को मालूम है, हम लोग है ना जब भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, यहां पे अपन मालूम है ऐसा करके, ये अपना मार्जिनल कॉस्ट होता है। ठीक है, ये आप सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या रहेगा, मार्जिनल कॉस्ट रहेगा। ठीक है, आपका एवरेज कॉस्ट है ना, एवरेज कॉस्ट ये पहला क्या होगा, फॉल होगा, फॉल होगा, फॉल होगा, फॉल होगा, फॉल होगा, इसको टच किया, जैसे मार्जिनल कॉस्ट को टच करता है ना, उसके बाद ये क्या होने लगेगा, राइज होने लगेगा। वैसे ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी ये क्या होगा, फॉल होगा, फॉल होगा, फॉल होगा, फॉल, इसको टच किया, इसके बाद ये क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ये समझा मैंने क्या बोला, ये जो चीज बताया सबको समझा, यस सर और नो सर? कभी भी याद रखना, कोई भी पूरे सीएफसी में मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट कभी भी एवरेज को जहां पर भी टच करता है वहीं से वो राइज होगा या फॉल होगा। अपन मालूम है मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट बनाए थे, मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट को अबव से कट करता है, जहां पर टच किया वहीं से एवरेज प्रोडक्ट क्या होने लगता है, फॉल होने लगता है। आपका मार्जिनल प्रोडक्ट जैसे ही राइज होना चालू होता है ना, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज को, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट को जहां पे टच करेगा वहीं पे उसका मिनिमम रहेगा, वहीं से वो राइज होने वाला है। तो ये गोल्डन रूल है, थोड़ा समझ के रखना। ठीक है, चलो अपन ना डायग्राम बनाते हैं। यहां पर इस डायग्राम को हम लोग बोलेंगे शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो मुझे बताओ, इसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी रहेगा, सेकंड लॉस भी रहेगा, नॉर्मल प्रॉफिट भी रहेगा, थर्ड उसमें लॉस भी रहेगा, और फोर्थ क्या रहेगा, शटडाउन भी रहेगा। ठीक है, लेट्स सी कैसा आता है डायग्राम सबका। अब देखो, यहां पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन, यहां पे मैंने लिखा प्राइस, यहां पे लिखा मैंने कॉस्ट, यहां पे लिखा मैंने रेवेन्यू, यहां पे मैंने क्या लिखा, आउटपुट। ठीक है, यहां पर सबसे पहला मैं ना एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट बना डालता हूं। ठीक है, यहां पर से मैंने ना, ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या रहेगा, ये तुम्हारा क्या रहेगा, एवरेज कॉस्ट है। यही से आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, अगर मैंने यहां से अगर प्राइस का लाइन बनाया, एक मिनट, यहां से अगर प्राइस का लाइन बनाया, ये मेरा प्राइस है, तो ये मेरा ए आर इज इक्वल टू एम आर रहेगा। तो मुझे बताओ, यहां पर ही ए आर है ना ए सी से ज्यादा है, मतलब ही इज अर्निंग व्हाट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अगर मैंने प्राइस है ना यहां से मैंने किया, ये प्राइस मैंने कम किया और इसको टच करके गया, तो ये तुम्हारा ए आर वन इक्वल टू एम आर वन। अभी देखो ना, यहां पे आपका ए आर और ए सी एक ही पॉइंट पे, इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। अगर इस पॉइंट से यहां से गया, मतलब प्राइस और कम किया, तो मतलब यहां पे प्राइस कम किया, तो ये उसका क्या होगा, लॉस। इसको क्या बोलेंगे, ए आर टू इज इक्वल टू एम आर टू। और अगर इसके भी नीचे से गया, इतना प्राइस रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शट डाउन। ये ए आर थ्री इज इक्वल टू एम आर थ्री। समझ में आया क्या? तो ये इस तरह से आपको याद रखने का, ये वाला पॉइंट मैंने एक ही पार्ट में इसको, एक ही इसमें सब कंपाइल करके रखा। इसको अलग अलग चाहिए तो आप अलग अलग बना सकते। अगर तुमको यहां पर देखने का है, तो यहां पर इसका देखो, यहां पर
इक्विलिब्रियम मिलता है, एम आर इक्वल टू एम सी इस पॉइंट पे है ना, तो यहां से यहां तक इसका पहला आउटपुट था, बराबर। मतलब यहां पे पहले आपको एम आर इक्वल टू एम सी मिला, सेकेंड टाइम देखो आपको इस पॉइंट पे आपको एम आर इक्वल टू एम सी मिला, तो आपका आउटपुट देखो कम हो रहा है, क्योंकि आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हो रहा, अभी नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप इतना आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पे आपका E2 आएगा, तो ये आपका Q2 हो गया, और यहाँ पर आपका E3 रहेगा, ये तुम्हारा Q3 आएगा। तो Q3 में तो आपका शटडाउन ही है, बराबर ना, Q3 में तो आपका क्या है, शटडाउन ही है। अच्छा मुझे बताओ शटडाउन में मेरा प्राइस कौन सा रहेगा, P1 लिखा है ना, शटडाउन में मेरा प्राइस क्या रहेगा, यस एबीसी ही रिकवर करेगा लॉस में। क्वेश्चन का आंसर दो ना, शटडाउन जब करूंगा तब मैं कौन सा प्राइस रहेगा मेरा, कौन सा प्राइस रहेगा, बोलो बोलो बोलो। यस नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा प्राइस रहेगा, यस बराबर, मेरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में मेरा क्वांटिटी क्या रहेगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में यस बराबर राइट क्यू रहेगा, बराबर ना। हाँ, और कब तक मैं बिजनेस रन करना चाहिए, कौन से प्राइस में मैं बिजनेस रन करना चाहिए, यस P2 में करना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपका वेरिएबल कॉस्ट वहां तक क्या हो रहा है, रिकवर हो रहा है, राइट राइट, समझ में आना ये वाला सब पार्ट, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब यहां पर आपको है ना इसी के अंदर, इसी के अंदर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम आएगा, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ किसका, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, लॉन्ग रन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कभी भी एक ही चीज याद रखना, मोनोपोली में, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, मोनोपोलिस्टिक में, कभी भी आपका नॉर्मल प्रॉफिट जो, कभी भी फीचर्स के अंदर अगर फ्री एंट्री एंड एग्जिट अगर रहता है तो दैट मींस वो लॉन्ग रन में ही विल अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, ही विल अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, समझ में आया। जैसे कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में उसको फ्री एंट्री एंड एग्जिट है तो ही विल अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, मोनोपोली में फ्री एंट्री एंड एग्जिट नहीं है तो ही विल अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मोनोपोलिस्टिक में फ्री एंट्री एंड एग्जिट है तो मोनोपोलिस्टिक में भी ही विल अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, समझा। तो आपको याद रखना लॉन्ग रन पढ़ते वक्त फ्री एंट्री एंड एग्जिट है क्या। आप बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे, फ्री एंट्री एंड एग्जिट रहेगा तो ही विल अर्न नॉर्मल प्रॉफिट। देखो नॉर्मल प्रॉफिट ऐसा बोलता है जो ज्यादा टाइम तक चलता है, मतलब लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी होगा, नॉर्मल प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, लेकिन ज्यादा क्या हो रहा है तो ज्यादातर नॉर्मल प्रॉफिट रहेगा, ज्यादातर क्या रहेगा नॉर्मल प्रॉफिट। एक डायग्राम से हम लोग देखते हैं फिर बाद में हम लोग मोनोपोली की तरफ जाते हैं। यहां पर इधर x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन यहां पे मैं लिखता हूं प्राइस, यहां पे लिखता हूं प्राइस कॉस्ट और रेवेन्यू, यहां पे रहेगा आउटपुट, यहां पर भी रहेगा आउटपुट, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ इंडस्ट्री, इसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइस मेकर, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइस टेकर। ये क्या लिखा सर आपने, देखो
यहाँ पर तुम लास्ट टाइम है ना स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट किया तब मैंने स्टार्टिंग चैप्टर करते वक्त मैंने क्या बोला कि तुम लोगों को कभी भी इसके अंदर इसमें आपको स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया ना वो इंडस्ट्री का डायग्राम था. मतलब देखो यहाँ से ये तुम्हारा डिमांड कर्व है, ये तुम्हारा सप्लाई कर्व. इसको डी डी लिखूंगा, इसको मैं एस एस लिखूंगा. ये आपका क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है. ये इक्विलिब्रियम क्या डिसाइड कर रहा है, मेरा क्वांटिटी, और क्या डिसाइड कर रहा है, मेरा प्राइस. ठीक है, अब ये जो प्राइस है इंडस्ट्री ने बोला इतना प्राइस रहेगा, तो मैं यहाँ से डॉट 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 करके यहाँ से मैंने यहाँ तक लिखेगा. तो ये मेरा P इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू मैं एम आर बोलूँ. अब मैं बोलूँगा ही इज अर्निंग, ये अगर तुम अगर देखेगा ना इसके अंदर, इज द प्राइस टेकर, बराबर ना. मतलब ही इज द प्राइस मेकर, इसने क्या किया, प्राइस टेकर. प्राइस इंडस्ट्री ने बोला ओपी प्राइस होना चाहिए, फर्म को भी इतने ही प्राइस में क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा. अब क्या होता है, मैं ऐसा बोलूंगा ही इज अर्निंग व्हाट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. मतलब यहां से ये गया, ये तुम्हारा एसी रहेगा, यहां से इसका मिनिमम से कट करके गया, ये उसका क्या रहेगा, एमसी कर्व रहेगा. मैं ऐसा बोलता हूं ही इज अर्निंग व्हाट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किया तो लोग मार्केट में एंट्री करेंगे कि नहीं एग्जिट करेंगे, सर एंट्री करेंगे क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है. और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में एंट्री करेंगे तो मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा. जब मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा तो इंक्रीज इन सप्लाई कि डिक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई बोलो शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. हाँ सर, शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो मैंने क्या किया, यहाँ से शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट किया, तो मेरा सप्लाई बढ़ गया. अब सप्लाई बढ़ गया, मेरा यहाँ पर इक्विलिब्रियम आया, इंडस्ट्री का क्वांटिटी क्या हो गया, बढ़ गया. ये क्यू से क्या हो गया, क्यू वन हो गया, बट इंडस्ट्री ने प्राइस क्या किया, कम कर दिया. इंडस्ट्री ने प्राइस कम कर दिया, मतलब इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर. जब इंडस्ट्री ने प्राइस कम किया तो फर्म को भी प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा. इसके लिए यही सीधा अपने ना यहां से ये तुम्हारा P1 इज इक्वल टू ए आर वन इज इक्वल टू क्या रहेगा, एम आर वन. अब मैं ऐसा बोलूंगा यहां पर एक सेकेंड, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, समझो यहां पर इज अर्निंग व्हाट, ऐसा लाइन गया. ठीक है, तो ये अर्न क्या कर रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है. अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, लोगों को लगता है अभी भी प्रॉफिट कमा रहे, तो अभी प्रॉफिट किया तो मार्केट में सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा. इंक्रीज इन सप्लाई, शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वापिस शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा, इधर S2 हो जाएगा, इधर S2 होगा. अब यहाँ पे तुम्हारा E2 हो गया, इंडस्ट्री ने आउटपुट बढ़ गया, ये Q2 हो गया, प्राइस क्या हो गया, यहाँ पे P2 हो गया. इंडस्ट्री ने प्राइस इतना बोला, अब इतने प्राइस में उसको क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा. ठीक है, ये P2 इज इक्वल टू ए आर टू इज इक्वल टू एम आर टू. मैं ऐसा बोलूं यहां से तुम्हारा कौन सा जाएगा, एबीसी कब जाएगा, है ना, उसके नीचे से जाता है ना. तो अब यहां पे ही इज अर्निंग प्रॉफिट और लॉस, लॉस. अब लॉस हो तो लोग एंट्री करेंगे कि एग्जिट करेंगे, एग्जिट करेंगे. मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा. मतलब इंक्रीज इन सप्लाई क्या, डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई होगा, तो शिफ्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हो जाएगा. तो ज्यादातर इज अर्निंग व्हाट, जब P प्राइस OP था तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट करा था, लोग एंट्री किए, प्राइस कम हो गया, OP1 हो गया. फिर देखा और भी प्रॉफिट कम आ रहा है, लोग और एंट्री किए तो वो P2 हो गया. लॉस हुआ तो लोग क्या करने लगे, एग्जिट होने लगा, वापस क्या हो गया, P1 हो गया. तो ज्यादातर ही इज अर्निंग व्हाट, नॉर्मल प्रॉफिट. तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ही विल अर्न नॉर्मल प्रॉफिट. ओके, और ये बिकॉज ऑफ किसके वजह से, फ्री एंट्री एंड एग्जिट के वजह से. समझ में आया क्या ये वाला पार्ट, यस सर और नो सर प्लीज मैसेज करने का, यस सर और नो सर. यस सर और नो सर. Yes sir or no sir.
यस सर और नो सर, प्लीज प्लीज, थैंक यू थैंक यू। देखा ना, तो बहुत सारा चीज इसके अंदर कहो, तुम लोग कुछ भी आगे एमसीक्यू भी करेंगे ना, वो कंडीशन अगर आपको अच्छे से याद रहेगा ना, तो आप एमसीक्यू कर सकते हैं। आप है ना, यहाँ पर इसमें मैंने वो सब चीज दिया, सब डायग्राम मैंने तुमको बताया, बाद में तुम लोग उसमें वीडियो में देख के डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का भी डायग्राम है अलग अलग, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मोनोपोली में। अब मोनोपोली बोलो तो तुमको मालूम रहेगा, सबसे पहला मोनोपोली, मोनो मतलब सिंगल, पोली बोलो तो सेलर, मोनोपोली बोलो तो सिंगल सेलर। जब मैं बोलूंगा सिंगल सेलर, मतलब कोई सब्सिट्यूट रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो सब्सिट्यूट गुड्स नहीं रहेगा, इसके लिए मैं बोलूंगा नो सब्सिट्यूट। क्यों सप्लाई है, कोई सब्सिट्यूट गुड्स नहीं रहेगा, तो पूरे मार्केट में उसका कंट्रोल रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। उसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। उसके बाद आप पूरा मार्केट में कंट्रोल रहेगा, तो ही विल बी अ प्राइस मेकर या प्राइस टेकर? सर, ही विल बी अ प्राइस मेकर। और जब वो प्राइस मेकर रहेगा, तो वो प्राइस ज्यादा रखेगा कि कम रखेगा? ऑब्वियसली प्राइस ज्यादा रखेगा। और प्राइस ज्यादा रखा तो ही विल अर्न नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट? ही विल अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। यहां पे ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंट बायर डिफरेंट प्राइस, बट द प्रोडक्ट विल बी द सेम। इसको पर अपन क्वेश्चन भी देखेंगे कैसे कैसे टाइप का क्वेश्चन आता है, ओके ठीक है। उसके बाद आप लोग देखेंगे नो डिस्टिंक्शन बिटवीन, क्या बोला, फर्म एंड इंडस्ट्री। व्हाट इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री? सर, फर्म और इंडस्ट्री में डिफरेंसेस क्या है? इंडस्ट्री फर्म बोलते एक पर्टिकुलर कंपनी रहेगा ऐसा। व्हाट इज इंडस्ट्री? इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट, इज नोन एज व्हाट? इंडस्ट्री। समझा? तो यहां पर तुम लोग को ये सब मिला, सिंगल सेलर, नो सब्स्टिट्यूट, बैरियर टू एंट्री, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई, फिर मार्केट प्राइस, प्राइस मेकर रहेगा, सुपर नॉर्म प्रॉफिट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन क्या रहेगा, फर्म एंड इंडस्ट्री। समझा? एंड प्लीज फॉलो आर इंस्टाग्राम पेज, इधर लिखा है तो फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सबको समझा ये वाला, ओके अब दूसरा जो हम लोग करेंगे, मुझे बताओ मोनोपोलिया मतलब ही इज द प्राइस मेकर? यस, सीमेंट इंडस्ट्री, फर्म इज अंबुजा, राइट, परफेक्ट, ऐसे ही रहेगा। यस, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल। मुझे बताओ यहाँ पे प्राइस जो रहेगा वो कभी भी सबसे ज्यादा रखेगा? ऑब्वियसली प्राइस मेकर है ना, तो तो क्या रहेगा? प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस देखो वो कितना रखा, सबसे ज्यादा रखा, धीरे धीरे कम किया। देखो एक चीज याद रखना, ही विल बी अ प्राइस, मतलब दो चीज मोनोपोली हमेशा एक चीज करेगा, प्राइस ज्यादा रखेगा या क्वांटिटी ज्यादा रखेगा, प्राइस ज्यादा रखेगा या क्वांटिटी ज्यादा रखेगा, दोनों ज्यादा नहीं रख सकता। प्राइस ज्यादा रखा तो उसको क्वांटिटी कम करना पड़ेगा, या प्राइस कम किया तो क्वांटिटी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इसके देखो प्राइस जब ज्यादा था तो उसका क्वांटिटी कम था, प्राइस जैसे जैसे कम हो गया तो क्वांटिटी क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहां पे उनको मल्टीप्लाई करेगा तो ये 10, 18, 24, 28, 30, 30, 28, 24, ये सब आ रहा है, बराबर ना? ये प्राइस इंटू क्वांटिटी किया तो टोटल रेवेन्यू आएगा। अच्छा, तुम्हारा एवरेज रेवेन्यू क्या रहेगा? टी आर अपॉन क्यू रहेगा। तुम्हारा ये 10 अपॉन 1 कितना आएगा? 10, 18 अपॉन 2 कितना आएगा? 9, ऐसे करते करते सब आएगा। और एम आर इज इक्वल टू क्या रहेगा? टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1। तो ये कैसे निकालेगा? 10 माइनस इधर कुछ नहीं रहेगा ना, 11 जीरो जो जीरो ही होता है, तो 10 माइनस 0 कितना आएगा? 10। 18 माइनस 10 कितना आएगा? 8, 6, 4, 2, 0, माइनस 2, माइनस 4, माइनस 8। ये एक चीज इसमें भी नोटिस करने जैसा है, इसके पहले हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशन हम जब पढ़ा था हम लोग ने, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमने क्या नोटिस किया था कि वहां पे P इज इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू डी डी था। नो प्रॉब्लम, नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं, चलेगा, ठीक है। तुम लोग इतना दुख मत प्रकट करो, ठीक है, नहीं रहेगा तो। तो अपन देखो यहाँ पे टी आर एन इज इक्वल टू माइनस करेगा टी आर एन माइनस 1। तो तुम अगर नोटिस करेगा, अपने इसके पहले परफेक्ट कॉम्पिटिशन पढ़ा था, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में अपने क्या बोला था? पी इज इक्वल टू ए आर इक्वल टू एम आर इक्वल टू डी डी बोला था, बराबर। लेकिन एम आर को रिपीट करो, देखो ना यहाँ पे टी आर है ना, अब ये 10 है तो 10 माइनस 0 10 हो गया, 18 माइनस 10 कितना हो गया? 18 हो गया, 24 माइनस 8, ये देखो ये वाला
फिर बाद में ये वाला देखो, तुमको दिखेगा सेकेंड वाला फर्स्ट वाले से क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे फर्स्ट वाले से, सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले से क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो आपको मिलेगा। तो मैं वापस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। आपका मोनोपोली में एमआर और एआर दोनों भी फॉल हो रहा है, बट ज्यादा क्या फॉल हो रहा है, एमआर। आपका परफेक्ट कंपटीशन में हॉरिजॉन्टल कर्व था, बराबर ना, लेकिन मोनोपोली में आपका स्लोप कैसा रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा, क्योंकि पहले इसमें 10 10 10 10 करके आया था परफेक्ट कंपटीशन में, इसमें क्या आ रहा है 10 8 6 करके आ रहा है, तो यहां पर आपको फॉल होते जाएगा, ठीक है। तो यहां पर भी सेम रहेगा, लेकिन इसके पहले आपको डायग्राम बनाना जरूरी है, वो पहला डायग्राम देखो। सब लोगों को शेड्यूल याद है ना, प्लीज ये शेड्यूल आपको बहुत अच्छे से ध्यान रहना चाहिए। तुम शेड्यूल में देखिएगा ना, एआर और एमआर दोनों भी फॉल हो रहा है, ज्यादा क्या फॉल हो रहा है, एमआर फॉल हो रहा है, और टीआर देखो जीरो से चालू हो रहा है, 10 हो रहा है, 18 हो रहा है, 24 हो रहा है, ये सब बढ़ते जा रहा है, बराबर ना। वो बाद में, चलो मैं एक तुमको इसको बाजू में रखता हूं, तो ताकि तुम लोगों को डायग्राम समझने के लिए और अच्छा समझ में आएगा। किधर गया, समझो मैं यहां से एक मिनट, कुछ नया करने, एक मिनट, कुछ नया करो तो गड़बड़ हो जाता है। देखो अभी यहाँ पे, यहाँ पे इसको मैं ठीक है, अब है ना तुमको यहाँ पे डायग्राम दिखता रहेगा, ठीक है। ये शेड्यूल दिख रहा है ना, अपने शेड्यूल बाजू में रखा है, इस शेड्यूल को ही बाजू में रख के हम लोग देख लेंगे क्या है करके, कौन सा मोनोपोली, अब मुझे बताओ यहां पे तुमको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम के बाजू में इसको थोड़ा और छोटा करता ताकि ठीक है, अभी दिख रहा है तुमको यहाँ पे बराबर दिखेगा। फिर अब देखो यहाँ पे मेरे को अगर डायग्राम बनाने का यहाँ पे, तो इसको मैं ऐसा करूँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे y एक्सिस ओरिजिन, y एक्सिस ओरिजिन, यहाँ पे तुम्हारा प्राइस रहेगा और इधर क्या रहेगा, रेवेन्यू रहेगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देना, अभी आवाज आ रहा है क्या, ठीक है। यहाँ पर तुम लोगों का क्या रहेगा, प्राइस रहेगा, यहाँ पे तुम्हारा आउटपुट, ये भी तुम्हारा क्या रहेगा, आउटपुट, ठीक है। अब तुम लोगों का AR और MR दोनों भी फॉल हो रहा है, तो यहाँ से तुम्हारा क्या होगा, AR तुम्हारा ऐसा फॉल हुआ, इसको मैंने यहाँ पे लिखा AR, बराबर। लेकिन AR कभी जीरो हुआ क्या, देखो ना आपका शेड्यूल जो है यहाँ पे है, ये आपका शेड्यूल देखोगे तो यहाँ पर आपका कभी भी जीरो नहीं हुआ, बराबर ना AR। एक मिनट, ये गलत मैंने वाला सिलेक्ट कर दिया, ये दिख रहा है, ये वाला सिलेक्ट करना चाहिए,
ठीक है ना ये वाला, हाँ दिख रहा है ना ये वाला, अभी यहाँ पे तुम्हारा ए आर देखो फॉल ही होते जा रहा है। ओके ए आर तुम लोगों को देखो शेड्यूल में दिखेगा, ए आर क्या हो रहा है फॉल ही होते जा रहा है, ठीक है ए आर फॉल होते जा रहा है। लेकिन एम आर तुम्हारा फॉल हो रहा है, हाँ हो रहा है 10-8 वगैरह, देखो नेगेटिव भी क्या है ना, तो मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ फॉल करूँगा और ये तुम्हारा क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा, ये तुम्हारा क्या रहेगा एम आर रहेगा। तो मैं ऐसा बोलूँगा तुम्हारा एम आर पॉजिटिव भी है, एम आर तुम्हारा जीरो भी है और एम आर तुम्हारा नेगेटिव भी है, ठीक है। अच्छा अब तुम लोग टी आर का देखो ना, टी आर कर्व देखेंगे तो तुमको टी आर में 10-8-0-10 है ना, मतलब यहाँ पे डैश में तो जीरो रहेगा, 10-8 वगैरह वो बढ़ रहा है मैक्सिमम हो रहा है, फिर बाद में क्या हो रहा है फॉल हो रहा है। तो मैं ऐसा बोलूँ ये टी आर तुम्हारा मैक्सिमम हुआ, फिर यहाँ से तुम्हारा क्या होने लगा फॉल होने लगा, तो ये तुम्हारा क्या रहेगा टी आर रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना ये वाला जो चीज़ बता रहा हूँ मोस्ट आई एम पी है ये, देखो ये तुम्हारा एम आर जब जीरो रहेगा, ये एम आर जब जीरो रहेगा तब तुम्हारा टी आर मैक्सिमम रहेगा। ये समझा क्या सबको, ये सबको समझा मैंने क्या किया बराबर। अच्छा अब यहां पर इसी को अगर मैं ना सीधा ऊपर लेके जाऊं ना तो ये इसके है ना मिड पॉइंट पे टच करता है, और ये जब मिड पॉइंट पे टच करेगा ना तो मैं ऐसा बोलूंगा इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या रहेगा 1 रहेगा, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू क्या रहेगा 1 रहेगा, और जब एम आर पॉजिटिव है तब टी आर मेरा राइज होता है, इसको मैं बोलूंगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 रहेगा, और यहां पर जब फॉल हो रहा है तब मेरा नेगेटिव था तब मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या रहेगा 1 रहेगा। तो आपको ये एग्जाम में पूछेंगे, ये आपको एग्जाम में पूछेंगे, अब ये शेड्यूल को भगा डालता हूं मैं, समझा, ये एग्जाम में पूछेंगे। तो यहां पर तुम लोग एक चीज याद रखना, जब मेरा एम आर पॉजिटिव रहेगा तब मेरा टी आर राइज होगा तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 रहेगा, मेरा एम आर जब नेगेटिव रहेगा टी आर मेरा क्या होगा फॉल होगा तब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 रहेगा, जब एम आर जब मेरा जीरो रहेगा टी आर मेरा क्या होगा मैक्सिमम रहेगा तब मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू क्या रहेगा 1 रहेगा। सबको समझाए वाला, सबको समझाए वाला, यस सर और नो सर, समझा ना। मैंने बाजू में शेड्यूल भी बनाया था मैंने, ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसी के अंदर मोनोपोली के अंदर भी तुम लोग अगर देखेंगे ना तो यहां पे भी कुछ कंडीशंस है, सेम कंडीशन है जो मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है तुमको दिखेगा, एम आर इक्वल टू एम सी इक्विलिब्रियम मैक्सिमम आउटपुट कॉस्ट मैक्सिमम रेवेन्यू, एम सी कर्व कट एम आर फ्रॉम बिलो, एम आर इज ग्रेटर देन एम सी क्या होगा इंक्रीज इन प्रोडक्शन, बराबर ना। अच्छा एम आर इज लेस देन एम सी क्या होगा डिक्रीज इन प्रोडक्शन, जो आपने इसके पहले लिखा था मैंने तुमको बोला वो हर बार फॉलो करेगा, ए आर इज ग्रेटर देन ए सी, ए आर इज ग्रेटर देन ए वी सी सुपर नॉन प्रॉफिट, ए आर इज लेस देन ए सी, ए आर इज इक्वल टू ए वी सी लॉस या शट डाउन पॉइंट। बोलेंगे सर इसको नॉर्मल प्रॉफिट क्यों नहीं लिखा, मैंने क्या बोला नॉर्मल प्रॉफिट कब आएगा जब फ्री एंट्री एंड एग्जिट रहेगा, मोनोपोली में फ्री एंट्री एंड एग्जिट है क्या, नहीं है। यहाँ पे ए आर इज लेस देन ए सी, ए आर इज लेस देन ए वी सी क्या रहेगा शट डाउन, फिर मैंने तुमको बोला एम आर इज पॉजिटिव रहेगा टी आर क्या होगा राइज होगा, एम आर अगर राइज हुआ तो टी आर विल बी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट रहेगा, बट यहाँ पर आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगा ग्रेटर देन 1 रहेगा, एम आर अगर फॉल हुआ ओके इसको ये तो तुम्हारा नहीं आएगा सब, लेकिन मैंने पहला जो बुक में लिखा है स्क्रीन पे वो तुमको मालूम पड़ेगा, एम आर अगर जीरो रहेगा ये भी ये एक्स्ट्रा लिखा है, लेकिन ये एम आर इज जीरो टी आर इज क्या रहेगा मैक्सिमम, ये तुम लोग क्या लिखा है मालूम है इसके अंदर, मैं तुम लोगों को ये शायद बताया भी है इसके पहले, याद है एम आर अगर राइज हुआ तो टी आर विल बी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट वो लिखा हुआ उसके अंदर, एम आर अगर जीरो रहेगा टी आर क्या रहेगा मैक्सिमम रहेगा, एम आर अगर नेगेटिव रहेगा टी आर क्या होगा फॉल होगा, जो मैंने यहाँ पे तुम लोगों को लिख के दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैंने ये डायग्राम बता दिया तुम लोगों को। अच्छा अब इसका भी डायग्राम रहेगा ओके, जो तुम लोग ने ना बनाया था वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा डिफरेंसेस रहेगा। देखो मैं एक ही डायग्राम बनाता हूँ उसमें भी है ना, उसमें तुमको सबको समझ में आ जाएगा वो,
अब देखो, अगर ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन, यहाँ पे प्राइस कॉस्ट और क्या रहेगा रेवेन्यू, यहाँ पे क्या रहेगा आउटपुट, ये तुम्हारा क्या रहेगा ए आर, ये तुम्हारा क्या रहेगा, ऐसा नहीं करता, ये तुम्हारा क्या रहेगा एम आर, बराबर। यहां से मैंने एक क्या बनाया, ये मेरा एवरेज कॉस्ट बनाया। अगर यहां से अगर एवरेज कॉस्ट गया तो ही विल अर्न व्हाट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, बराबर। यही से तुम्हारा ये क्या जाएगा, एमसी कर्व जाएगा। यहां पर आपको क्या मिलेगा, देखो एमसी कर्व और एमआर कर्व, ये इस पॉइंट पे आ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम। ये क्या डिसाइड करेगा मेरा क्वांटिटी, और ये क्या डिसाइड करेगा मेरा कॉस्ट, ये क्या डिसाइड करेगा मेरा रेवेन्यू, ये रेवेन्यू रहेगा, ये मेरा कॉस्ट रहेगा, ये मेरा इतना कॉस्ट है और इतना मेरा क्या है रेवेन्यू है, तो इतना प्राइस और इतना प्राइस कम हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे। तो इसको अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सर देखो ना ए आर ए सी से ज्यादा है ना, तो यू विल अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अगर यही डायग्राम, अगर आपका ए सी कर्व रेड में बता दो, आपका ए सी कर्व यहां से जाता था तो ये क्या होता था, लॉस। आपको वही चीज याद रखने का, ए आर और ए सी कैसे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, समझ में आया क्या, ये एक ही चीज आपको याद रखने का इस डायग्राम के इसके अंदर। तो मुझे बताओ, मुझे बताओ, इसमें सुपर, इसमें लॉन्ग रन में ये क्या अर्न कर सकता है, लॉन्ग रन में ही क्या अर्न कर सकता है, लॉन्ग रन में क्या अर्न कर सकता है, मोनोपोली लॉन्ग रन में क्या अर्न कर सकता है, लॉन्ग रन में वो मोनोपोली क्या अर्न कर सकता है, बोलो बोलो। एक ही चीज याद रखने का, मैं स्टार्टिंग से लेकर अभी तक बता रहा हूं, उसके पीछे यस, इसके अंदर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न करेगा। एक ही याद रखने का, उसमें फीचर्स में फ्री एंट्री एंड एग्जिट है क्या, ओके फ्री एंट्री है क्या, तो तुम लोग देखने का फ्री एंट्री एंड एग्जिट है क्या, नहीं है। अगर फ्री एंट्री एंड एग्जिट रहेगा तो ही विल अर्न व्हाट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, समझा, इतना समझा। अच्छा अब है ना, इसमें वो चीज याद रखना, लेकिन इसके अंदर और भी कुछ है जो तुम लोगों को मालूम रहना चाहिए, जो बुक में इसमें नहीं है लेकिन तुम लोगों को मिल जाएगा, दैट इज मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करके कॉन्सेप्ट है, बराबर। उसमें फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। इफ इज अर्निंग फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, दैट मीन्स ही इज अर्निंग, ही इज गेटिंग अ मैक्सिमम कंज्यूमर सरप्लस। मैं क्या बोला सुनना, फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमेशा वो कंज्यूमर सप्लाई सबसे ज्यादा रहेगा। मतलब क्या सर, देखो मुझे बताओ, अगर समझो मेरे को है ना एक क्लास आया, ट्यूशन आया, ट्यूशन आया, ट्यूशन आने के बाद है ना मैं पूछेगा बच्चा, मेरे को पेरेंट्स का फोन आएगा, आप बोलेगा पेरेंट्स पूछेगा मेरे को कि सर आप इकोनॉमी का लेक्चर लेंगे क्या, हाँ ले लेगा ना, सर आप कितना फीस चार्ज कर दें, तो मैं पहले बोलूंगा सर मैं पहले बच्चे को देखूंगा फिर बाद में मैं डिसाइड करूंगा। बोला ओके तो एक काम करो, फिर मैं बच्चे के घर पे जाता हूँ, बच्चे घर पे जाता हूँ, देखता हूँ 3 BHK, सेंट्रलाइज एसी, ओ बड़ा डाइनिंग टेबल, 50,000। तो मतलब मैं 50,000 बोला, 60,000 बोला, अगर समझो मैंने उसको क्लास में 50,000 नहीं बोलता था, 20,000 बोलता था, तो कंज्यूमर को कंज्यूमर सरप्लस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। वो 50,000 दे सकता था लेकिन मैंने मांगा कितना, 20,000, तो उसके लिए 30,000 कंज्यूमर सरप्लस हुआ, लेकिन इसमें मैं डायरेक्टली कितना चार्ज करूंगा, 50,000 रुपये चार्ज करूंगा, समझा। तो ही विल टेक अवे एंटायर कंज्यूमर सरप्लस, सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा रहेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल में अगर आप लोग देखोगे ना तो उसमें लिखा रहता है 0 से 100 यूनिट अगर आपने कंज्यूम किया है तो आपका 75 रुपीज फिक्स चार्जेस है और आपका पर यूनिट 3 रुपीज समथिंग है। अगर आपने
100 से 300 के बीच में रहेगा, आपका फिक्स चार्ज 125 हो जाएगा, पर यूनिट आपका 4 रुपया हो जाएगा। अगर 300 से 500 रहेगा तो आपका फिक्स चार्ज जैसे ना 175 हो जाएगा और आपका पर यूनिट 5 रुपया हो जाएगा। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आप जितना ज्यादा क्वांटिटी में यूज करोगे उतना ज्यादा उसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ही किए ना, इलेक्ट्रिसिटी तो सेम ही था लेकिन उसने देखा ये गरीब आदमी इसके लिए कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा, ये अमीर आदमी ये ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंट बायर डिफरेंट प्राइस बट द प्रोडक्ट विल बी द सेम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये किसके बेसिस पे रहेगा, क्वांटिटी के बेसिस पे रहेगा। और थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिपेंड अपॉन डिफरेंट सेगमेंट लोकेशन। एग्जाम्पल लोकल ट्रेन होता है, लोकल ट्रेन में फर्स्ट क्लास अलग होता है, सेकंड क्लास अलग होता है, थर्ड क्लास नहीं होता, फर्स्ट क्लास होता है, सेकंड क्लास होता है, उसके बाद सीनियर सिटीजन होता है, उसके बाद स्टूडेंट कंसेशन होता है उसमें, और एक फुकट लोग भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पर ट्रेन एक यहाँ से एक जगह में जाने का रहेगा, वो डेस्टिनेशन सबके लिए सेम रहेगा बट सबका चार्ज सेम है क्या, नहीं। सबका प्राइस कैसा है, अलग है। सब कंज्यूमर भी कैसे है, अलग है। डिफरेंट बायर डिफरेंट प्राइस बट द प्रोडक्ट आर सेम। बट यहाँ पे डिफरेंसेस जो किया है ना प्रोडक्ट का, बहुत अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्राइस रखा है, इसको बोलेंगे थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। होप सो सबको समझ में आएगा। प्लीज सबको यस सर और नो सर प्लीज मैसेज करेंगे, यस सर और नो सर। यस 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 सर और नो सर प्लीज, यस सर और नो सर। ओके, तो अपना यहां पे मोनोपोली पार्ट खत्म हो जाता है। सर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी आप लोगों सेम फीचर्स रहेगा, सेम डायग्राम रहेगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, जो रियल लाइफ में पॉसिबल होता है, जो रियल लाइफ में पॉसिबल होता है, मतलब उसमें क्या रहेगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर लार्ज नंबर ऑफ सेलर। बट यहाँ पे होमोजेनियस प्रोडक्ट नहीं रहेगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रहेगा। यहाँ पर आपको नो सब्स्टिट्यूट नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पर आपको क्लोज सब्स्टिट्यूट मिलेगा। वहां पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, हाँ यहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, मतलब ही विल ऑल्सो अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यहाँ पे एक सेलिंग कॉस्ट रहेगा, यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ ग्रुप रहेगा। ये मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक का डायग्राम ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, बस उस डायग्राम में और इस डायग्राम में फर्क यही रहेगा कि वहां पर स्टीपर कर्व है, यहां पर कैसा रहेगा फ्लैटर कर्व है, वहां पे स्टीपर कर्व है, यहां पे कैसा रहेगा फ्लैटर कर्व है। और बाकी ऑलमोस्ट सब डायग्राम क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसमें कंडीशन भी क्या रहेगा, इसका सेम दिखेगा तुमको। देखो जितने भी कंडीशन है इसमें सब कंडीशन रहेगा, इसमें एक कंडीशन ऐड हो जाएगा, कौन सा, नॉर्मल प्रॉफिट का। क्यों सर ऐड हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट है। फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन डिपेंड अपॉन किसके ऊपर रहेगा, डिपेंड अप, ही विल टेक अवे द एंटायर कंज्यूमर सरप्लस, पूरा कंज्यूमर सरप्लस रहेगा। कंज्यूमर 10 रुपया पे करने के लिए चार्जेस था लेकिन उसने पे किया 2 रुपया ना, मोनोपोली केस में वो 10 रुपया पूरा चार्ज कर लेगा, ऐसा है। समझा, रुको रुको ये चैप्टर में वाइंड अप करता हूँ, उसके बाद मैं ब्रेक देता हूँ मैं तुम लोग को, ठीक है। अच्छा इसमें भी डायग्राम तुमको मिलेगा। अच्छा यहाँ पर इसमें मैं तुमको बताया, यहाँ पे फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बताया, सेकंड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बताया, थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बताया। अच्छा इसके अंदर है ना आता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली बोलो तो क्या रहेगा सर, ओलिगो मतलब होता है फ्यू, पॉली बोलो तो क्या होता है सेलर, मतलब फ्यू सेलर। ओलिगोपोली बोलो तो क्या रहेगा, फ्यू सेलर रहेगा। यहां पर आपको है ना इंटरडिपेंडेंस मिलेगा, इंटरडिपेंडेंस मिलेगा। सर यहां पर इंटरडिपेंडेंस मतलब क्या रहेगा, देखो दोस्त ओलिगोपोली मतलब फ्यू सेलर रहेगा। अपन एक एग्जांपल लेंगे, जियो वोडाफोन और एयरटेल, तीन कंपनी है, तीनों कंपनी मिलकर क्या बनता है, ओलिगोपोली। अगर समझो एयरटेल वाले ने प्राइस अगर बढ़ा दिया तो दूसरा वाला अपना प्राइस बढ़ाएगा क्या, नहीं बढ़ाएगा। अगर एयरटेल वाले ने प्राइस कम किया तो बाकी लोग प्राइस कम करेंगे, हाँ सर वो लोग भी प्राइस अपना क्या करेंगे, कम करेंगे। तो मतलब प्राइस बढ़ने पर रिस्पॉन्स नहीं रहेगा, प्राइस कम होने पर रिस्पॉन्स देगा इसमें ना। तो अगर टेक्निकली देखा जाएगा तो प्राइस बढ़ेगा, एग्जाम्पल देता हूँ, प्राइस अगर बढ़ा दिया तो दूसरे वाले इसके कस्टमर सब इसके पास आएगा, मतलब इसको लॉस हो रहा है। प्राइस अगर कम हुआ मतलब ये पहले से लॉस कर रहा है और बाकी लोग को भी लॉस करा रहा है, तो यहाँ पर तो प्रॉब्लम है।
तो यहाँ पे तो कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा सकता, तो ये लोग क्या करेंगे, एक साथ मिलेंगे और एक साथ अपना प्राइस क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। समझ में आया क्या? बराबर 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 बराबर, यस सर और नो सर। यस सर और नो सर, यस सर और नो सर, प्लीज मैसेज करने का, मैसेज करने का, ठीक है। अच्छा, मतलब ये लोग एक साथ प्राइस बढ़ाते। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट, ह्यूज एडवर्टाइजमेंट, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट करते। मैंने बोला तो लास्ट टाइम है, इसको लगा डाला तो लाइक झिंगा लाला, यही है घटिया डाई की चाल, वैस मॉल ने किया कमाल, गड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, पार्ले जी, जी माने जीनियस नहीं ग्लूकोस। पहले भी एक ऐड था, दीपिका जी, दीपिका जी आइए, ये लीजिए आपका सामान, बोलते ये नहीं वो, अब तो हमेशा महंगी वाली टिकिया लेती थी, लेती थी पर कम दामों मिले तो वो क्यों ना ले, मान गए आपकी बात की नजर, निर्मा सुपर, ओ जबरदस्त। फिर एक गाना भी बसा था, वॉशिंग पाउडर निर्मा, चांद अपन लोग क्लास में रहते तो बोलते थे, अभी नहीं बोलेंगे। समझ में आया क्या? तो यहां पर एडवर्टाइजमेंट बहुत ह्यूज और एग्रेसिव रहता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस रिजिडिटी बोलेगा, ये रेडिंग नहीं है, प्राइस रिजिडिटी है, रिजिडिटी, प्राइस रिजिडिटी बोलेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पे एंट्री इज पॉसिबल बट सर्वाइवल इज डिफिकल्ट, यहाँ पे कोई भी आ सकता है बट वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है सर। यहाँ पर अभी मैं जो बता रहा हूँ डायग्राम, वो बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। अब है ना, यहाँ पे आप लोगों को किंक्ड डिमांड कर्व, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यूट्यूब का एडनोवेट, ओके ओके। अब यहां पे तुमको मिलेगा किंक्ड डिमांड कर्व, ये भी मस्त कॉन्सेप्ट है सर। किंक्ड डिमांड कर्व क्या रहेगा सर? किंक्ड डिमांड कर्व इज गिवन बाय पॉल स्वीजी, ठीक है। इसने क्या बोला है मालूम है? देखो इसका है ना ओलिगोपोली का डायग्राम है ना हमेशा डियोपोली के डायग्राम के ऊपर डिपेंड होता है, ओके हाँ बराबर बराबर, वो बाद में बोलेगा, अभी नहीं बोलेंगे, ओके। लेट्स सी पहला किंग्ड डिमांड कर्व क्या है। इसका क्वेश्चन है ना बहुत बार एग्जाम में पूछा, बहुत बार एग्जाम में आया, तो थोड़ा सा ध्यान दो ये वाला, ठीक है। इधर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, इधर प्राइस रहेगा, इधर क्वांटिटी रहेगा, ठीक है। मैं ऐसा बोला यहां से एक डिमांड कर्व गया और यहां से एक डिमांड कर्व गया, ये इसका डी डी, इसका डी वन डी वन। यहां पर आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा, ये इक्विलिब्रियम डिसाइड करता है इतना प्राइस और इतना क्वांटिटी, ये पी रहेगा ये क्यू रहेगा। अब थोड़ा समझो क्या है, ठीक है। अब ये समझो थोड़ा क्या है, मुझे बताओ, अगर मैंने प्राइस अगर बढ़ा दिया तो मेरा हैज अ एक्सपेक्टेशन कि अगर प्राइस अगर बढ़ गया तो मेरा कितना डिमांड होगा, मैं ऐसा सोच तो सकता हूं ना, हाँ मेरा डिमांड इतना कम होगा, लेकिन एक्चुअल में कुछ काम और ही हो जाता है। तो मैं दो चीज बोलूंगा, मैंने सोचा था इतना कम होगा और एक्चुअल में इतना कम हुआ, मैं दो चीज सोचूंगा, ठीक है। वापिस बोला, अगर मैं जो सोच रहा हूं मैं उसको ब्लू लाइन में करूंगा और जो एक्चुअल में हो रहा है मैं दूसरा कोई कलर यूज करूंगा, ठीक है। तो सोचो यहां पर उसने सोचा कि मेरा प्राइस है ना बढ़ेगा, तो उसने सोचा मेरा डिमांड है ना इतना ही कम होगा, मतलब उसने क्या सोचा था, जब प्राइस ओपी से ओपी वन होगा तो मेरा डिमांड क्यू से क्या होगा, क्यू वन होगा, उसने ऐसा सोचा था लेकिन उसका एक्चुअल में हुआ इतना। देखो वापिस बोला, मैंने सोचा था जब ओपी, जब प्राइस बढ़े, ओपी प्राइस था तो ओक्यू क्वांटिटी था, ओपी वन प्राइस होगा तो उसने सोचा कि ओक्यू वन होगा लेकिन एक्चुअल में हुआ ओक्यू वन, उसने सोचा था मेरा डीई, ये दिख रहा है ना डीई, उसने सोचा था ये मेरा कर्व होगा लेकिन एक्चुअल में हुआ इसका डी वन ई, मतलब ये डायग्राम इसका यहां पर चला गया, मतलब इसका डी वन ई रहेगा। और एक बार बता दो, थोड़ा ध्यान से सुनना, नेक्स्ट टाइम नीचे वाला बता दो, उससे सोचा मैं प्राइस है ना कम करता हूं,
उससे सोचा प्राइस मैं कम करूंगा ना, मेरा इतना डिमांड क्या होगा बढ़ जाएगा, और इतना मतलब इतना प्राइस कम होता है इतना डिमांड मेरा बढ़ जाएगा, मतलब Q3 ऐसा होगा उसने सोचा। लेकिन एक्चुअल में हुआ उसका प्राइस इतना बढ़ेगा, सॉरी, तो सोचा इतना ही उसका क्या हुआ क्वांटिटी हुआ, दिख रहा है इतना प्राइस में उसका इतना एक्चुअल में क्या हुआ क्वांटिटी बढ़ा, मतलब उसने सोचा ED1 होगा लेकिन हुआ कौन सा ED, मतलब ये भी इसका गायब हो गया। तो इसका एक्चुअल में क्या हुआ D1 E हुआ और E से D हुआ। तो इसका डायग्राम कैसा होता है देखो, इसका एक्चुअल डायग्राम ये है, पहला ऐसा हुआ फिर बाद में ऐसा हुआ। तो ये वाला जो है ना इसको बोलेंगे ED इज इक्वल टू जीरो, इसको क्या बोलेंगे ED इज ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन वन, इसको रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोलेंगे, और ये तुम्हारा क्या रहेगा फ्लैटर कर्व रहेगा। इसको क्या बोलेंगे ED इज लेस देन वन बोलेंगे, इसको रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे स्टीपर कर्व बोलेंगे। सो किंक्ड डिमांड कर्व बोला जाता है, समझ में आया क्या? यस और नो, यस और नो, समझा? यस सर और नो सर, ठीक है। यहां पर हम लोग अपना मार्केट चैप्टर कंप्लीट करते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे को तुमको देने का है, ओके? मैं इसके बाद बोलूंगा तो मैं रीड करूंगा, तब तुम लोग खाली याद रखना, फिर बाद में हो सके तो बाद में तुम लोग नोट डाउन करना, वो मैं ब्रेक के बाद बताऊंगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंपॉर्टेंट है जो अपने बुक में लिखा नहीं है ऐसा तुमको, हाँ तो वो मैं बता दो, तो वो बाद में तुम लोग वो वीडियो होने के बाद फिर बाद में स्लो से सुन के धीरे धीरे बाद में लिख लेना, वो कब जब, हाँ आई एम सॉरी बराबर बोल रहा है, ये ED इक्वल टू वन आएगा, आई एम सॉरी, बराबर, हाँ आई एम सॉरी, वेरी गुड आदित्य, थैंक यू। तो ये क्या रहेगा ED इक्वल टू क्या रहेगा वन रहेगा, ओके? तो अभी हम लोग है ना अभी कितना हो गया 8:25 हो गया ना, 8:40 को अपन लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? RED बोलते रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, लिखू क्या फुल फॉर्म में? आकांक्षा लिखू क्या, समझ में आया? 8:40 तक रहो ना, 8:45 क्यों कर रहे हैं? इसके बाद अपन को है ना चैप्टर नंबर 5 करने का है, और उसके बाद चैप्टर नंबर 1 खत्म करके, छोटे छोटे टॉपिक है फटक से खत्म हो जाएगा, मुझे लगा था बहुत टाइम हो जाएगा लेकिन हो जाएगा आज, ठीक है? थैंक यू, ब्रेक लेते, चलो।
यस चलो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मार्केट में आपको याद रखने का है। सबको पहला मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर और नो सर? यस सर और नो सर? यस सर और नो सर? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सबको? हेलो, बस एक ही जन बोलेंगे, बाकी लोग कुछ है कि नहीं? हाँ, क्या नो सर क्या बोलता है भाई? यस सर ही बोलने का? ठीक है, अभी मैं ना जो जो तुमको बोल रहा हूं प्लीज अभी सुनो, बाद में वीडियो को स्लोली स्लोली करके नोटबुक में राइट डाउन कर लेना, ठीक है? कुछ नहीं खाया, सिर्फ आया, सिर्फ चाय पी के आया, ठीक है? मैं जो जो बोलता हूँ प्लीज वो सुनना, थोड़ा ज्यादा मतलब एक दो तीन मिनट बोलूंगा तो सुनते रहेंगे ना, फटाफट पढ़ लिख के, तो मैक्सिमम कंटेंट इसके अंदर आएगा, ठीक है? स्टार्ट करूँ? यस सर सब लोग बोलो तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी सबसे पहला मैं जो जो बोलता हूँ प्लीज ध्यान से सुनना, क्योंकि अभी मैं जो बता रहा हूँ वो कुछ कुछ बुक में है, कुछ कुछ बुक में नहीं है, ठीक है? तो वो भी तुम लोगों को आ सकता है, ठीक है? स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला पहला क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज इनफाइनाइट। तो अभी मैं जैसे ऐसा बोल रहा हूँ वो तुम लोग नोट है, लिखते जाना बुक के अंदर, ठीक है? क्या क्या रहेगा तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन नोट है वो लिखते जाना, ठीक है? पहला क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज इनफाइनाइट, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मोनोपोली इज लेस देन 1 और 0, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज मोर देन 1, एडमिनिस्टर्ड प्राइस, अ प्राइस विच इज डिसाइडेड बाई द गवर्नमेंट इज नोन एज एडमिनिस्टर्ड प्राइस, अ प्राइस शॉर्ट टर्म प्राइस इज नोन एज मार्केट प्राइस, लॉन्ग टर्म प्राइस इज नॉर्मल प्राइस, ठीक है? ये तीन नाम दिया मैंने। अ प्राइस विच इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज व्हाट? एडमिनिस्टर्ड प्राइस। शॉर्ट टर्म प्राइस इज नोन एज मार्केट प्राइस। लॉन्ग टर्म पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल प्राइस। मोनोपोली हमेशा प्राइस मेकर है, वो कभी भी प्राइस ज्यादा रखेगा कंपेयर टू डियोपोली। डियोपोली हमेशा प्राइस कम रखेगा कंपेयर टू मोनोपोली, बट ज्यादा रखेगा कंपेयर टू ओलिगापोली। ओलिगापोली कंपेयर टू मोनोपोली और डियोपोली से कम प्राइस रखेगा, और मोनोपोलिस्टिक से क्या रखेगा? ज्यादा रखेगा, और मोनोपोलिस्टिक हमेशा कम रखेगा प्राइस, ठीक है? बाइलेटरल मोनोपोली वेयर सिंगल बायर सिंगल सेलर। फिर बाद में डियोप्सोनी, मोनोप्सोनी मतलब सिंगल बायर, डियोप्सोनी मतलब टू बायर, ओलिगोप्सोनी मतलब लेस देन मतलब थ्री मोर देन टू और लेस देन 10 बायर। उसके बाद आपको शॉर्ट मार्केट मिलेगा, शॉर्ट मार्केट ऑन द स्पॉट, स्पॉट पीरियड, सॉरी आई एम सॉरी, स्पॉट
पीरियड स्पॉट मार्केट बोलेंगे, जहां पे प्राइस विल बी ऑन द स्पॉट जो प्राइस रहेगा वो। फिर बाद में आएगा आपका फ्यूचर मार्केट। फ्यूचर मार्केट इज वेयर बायर एंड सेलर म्यूचुअली अग्रीड एट सर्टन प्राइस फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, स्लो बोलो नहीं, आप लोग पहले रिकॉर्ड पहले सुन लो, बाद में एक साथ बाद में लिख लेना बच्चा, ठीक है, बाद में लिख लेना। उसके बाद किधर था अपन, हाँ, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, रेगुलेटेड मार्केट विच इज कंप्लीटली कंट्रोल ओवर किसका रहेगा, गवर्नमेंट का रेगुलेटेड मार्केट। नॉन रेगुलेटेड मार्केट इज डज नॉट हैव अ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। ठीक है, शॉर्ट पीरियड में वन फैक्टर इज वेरिएबल, या शॉर्ट पीरियड मार्केट, आई एम सॉरी वापस एक बार बोलता हूं, शॉर्ट पीरियड में सप्लाई इज कॉन्स्टेंट बट डिमांड इज मोर, डिमांड चेंजेस बट सप्लाई विल बी कॉन्स्टेंट इन केस ऑफ शॉर्ट पीरियड मार्केट। एक थोड़ा करेक्शन करता हूँ, वापस करेक्शन करता हूँ, आई एम सॉरी वापस करेक्शन करता हूँ, थोड़ा बीच में ऐसा तुम बोलो मत, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ ना इसके लिए। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में, वापस बोल रहा हूँ, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में डिमांड विल बी चेंजेस बट सप्लाई विल बी कॉन्स्टेंट। शॉर्ट पीरियड मार्केट में वन फैक्टर इज चेंज एंड अदर फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंट। लॉन्ग पीरियड मार्केट में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट में तुम लोगों को फैक्टर्स तो चेंज होगा, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, फैशन, ये सब चीज क्या होगा, चेंज होगा, इसको हम लोग बोलेंगे फ्री मार्केट, वेर बायर एंड सेलर कोई भी एंट्री कर सकता है, कोई भी एग्जिट कर सकता है। समझ में आया क्या इतना मैंने जो जो बोला? यस सर और नो सर? समझ में आया? यस सर और नो सर? प्लीज बाद में ये तुम लोग नोटबुक के अंदर लिख लेना, यस सर और नो सर। यस सर और नो सर? ठीक है, तो ये सब चीज है ना आपके नोटबुक में लिख के रखना। और तुम लोगों को ये तो मालूम रहेगा लोकल मार्केट क्या होता है, रीजनल मार्केट क्या होता है, नेशनल मार्केट क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट क्या होता है, तो ये तुम लोगों को मॉडल में दिया हुआ है, तो जो कंसेप्चुअल है वही सब चीज तुमको मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 5 के इसके अंदर। सर चैप्टर नंबर 5 के इसके अंदर अनरेगुलेटेड मार्केट बोलेगा तो बाहर जो जो है जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं, बाहर फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं, बेचते हैं, वेजिटेबल मार्केट में बेचते हैं, वो सब चीज को हम लोग है ना अनरेगुलेटेड मार्केट बोलेगा। ठीक है, ठीक है, हाँ, थोड़ा सा अभी मैं बोलते वक्त थोड़ा स्लो बोला लेकिन अभी समझ में आया, बाकी लोग को प्रॉपरली आवाज आता रहेगा। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग है ना आते हैं चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 में ना तीन ऐसे चीज है जिसके ऊपर फोकस करने का, एक फ्रेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, दूसरा इंडिकेटर और तीसरा कॉजेस। गे तो थामा है वर्तिस गे तो। ठीक है, अभी आवाज आ रहा है? अभी आवाज आ रहा है? यस सर और नो सर प्लीज एक बार बोलेंगे तो फिर आगे मैं पढ़ाना चालू करूंगा। यस सर और नो सर? यस सर और नो सर? यस सर और नो सर? डन, ओके, चलो। अभी है ना हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं दैट इज ओके, जबरदस्त, चलो आगे देखो। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज ट्रेड साइकिल। बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज क्या रहेगा? ट्रेड साइकिल। ये ट्रेड साइकिल को अंडरस्टैंड करने के लिए हमको बिजनेस साइकिल पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर
यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, मैं इसको यहाँ पे वर्ड यूज करता हूँ रियल जीडीपी, और यहाँ पर मैं ऐसा यूज करता हूँ टाइम। अब बोलेगा व्हाट इज जीडीपी? सर जीडीपी बोला तो हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री में जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों ने जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीडीपी बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने ऐसा ट्रेड साइकिल बना, ठीक है, जहां पर एक इकोनॉमिक पाथ लाइन रहेगा। ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिकवरी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉस्पेरिटी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पीक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिसेशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिप्रेशन, इसको क्या बोलेंगे? थ्रॉप। वापस ये सिचुएशन क्या आता है? रिकवरी, वही सेम होते रहेगा, प्रॉस्पेरिटी, वापस क्या होगा? पीक होगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्या हो सकता है, बेसिक चीज क्या रहेगा, पहले अपन वो डिस्कस करते हैं। तुमको है ना ये बिजनेस साइकिल में ट्रेड साइकिल के अंदर तुम लोगों को ये कर्व ये जो पार्ट है ना ये जो अपवर्ड जा रहा है ना इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपांशन, इसको क्या बोलेंगे? एक्सपांशन। प्रॉस्पेरिटी इज अ पार्ट ऑफ एक्सपांशन, रिकवरी इज अ पार्ट ऑफ एक्सपांशन, एक्सपांशन का एंड इज योर पीक, एक्सपांशन का एंड इज योर पीक। एक्सपांशन कभी भी होता है तो उस कंट्री में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलता है, पर कैपिटल इनकम ज्यादा बढ़ता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा होता है, जीडीपी ज्यादा बढ़ता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उस टाइम पे बढ़ता रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए बढ़ता है क्योंकि बिजनेसमैन वाला ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा तो लोन लेता है और वो रिपे कर सकता है क्योंकि यहां पर उसका बिजनेस बहुत ग्रो हो रहा है। ओके, यहां पर लोगों का कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स द कंट्री बहुत बढ़ जाता है और एक्सपांशन में दो अनएम्प्लॉयमेंट रिमूव हो जाता है। पहला अनएम्प्लॉयमेंट इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोला तो क्या होता है? देखो पहला चीज, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं ऐसा बंदा जिसको काम करने का है लेकिन काम नहीं मिल रहा है, और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोला तो जिसको काम करने का है लेकिन काम नहीं मिल रहा है। लेकिन एक्सपांशन जब होगा ना तब इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा ही नहीं क्योंकि यहां पे और भी बहुत सारे लोगों को काम मिल सकता है, उसको हम लोग यहां पे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगा। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा, क्यों सर? क्योंकि देखो एक्सपांशन होता है तो उस टाइम डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होता है, डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी सब कुछ होता है तो लोगों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए रहता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले रेडियो जो था अब वो तो ऑलमोस्ट वाइप आउट हो गया। आज रेडियो की तो दिखता है क्या, तुम लेके घूमता है क्या, वो तो ऐप के अंदर ही आ गया। दूसरा चीज, तुम लोगों को पहले कैसेट होता था, कैसेट बंद होके फिर बाद में सीडी बन गया, सीडी बंद होके डीवीडी बन गया, डीवीडी बंद होके पेन ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव का मेमोरी कार्ड हो गया, मेमोरी कार्ड अभी गायब भी हो गया। तो जो कैसेट बनाने वाले लोग थे वो लोग है ही नहीं, मतलब वो अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी एक बार हो सकता है क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो ये ऐसे दो तीन टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट तुमको मिलेगा। किसके अंदर? एक्सपांशन इन बिजनेस साइकिल में, एक्सपांशन इन बिजनेस साइकिल में, एक्सपांशन इन फ्रेज पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इस टाइम पे वापस बोल रहा है ग्रोथ ज्यादा रहेगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा रहेगा, पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, लोगों का है ना कॉन्फिडेंस टुवर्ड द कंट्री के ऊपर बढ़ जाएगा, शेयर मार्केट भी क्या होगा बढ़ते रहेगा, लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, लोगों का है ना लोग का सब कुछ अच्छा होगा। जो भी सब अच्छा चीज हो रहा है वो सब किस में होगा? एक्सपांशन में होगा। ये सब कुछ समझ में आया क्या? सबको समझ में आया क्या? ऑनलाइन टीचिंग भी एक्सपांशन में आएगा, बराबर? यस सर और नो सर, प्लीज मैसेज किए तो मैं आगे वाला उसमें जाऊंगा। थैंक यू। ठीक है, अब यहां पर एक्सपांशन का जो एंड होता है, एक्सपांशन का जो एंड है वो है पीक। एक्सपांशन का जो एंड है उसको बोलेंगे पीक, और
इसके अंदर तुमको ये जो पार्ट मिलेगा, ये जो दिख रहा है ना, ये जो पार्ट है जो मैंने ड्रॉ किया, उसको बोलते हैं अपस्विंग करके बोलेंगे। वो क्या है? अपस्विंग है। और ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाउन स्विंग बोलते हैं। ठीक है? अपस्विंग जब होता है वो पीक पॉइंट है। पीक पॉइंट को एक बूम पीरियड बोलते हैं। वापिस बोला, एक्सपांशन का एंड इज योर पीक, और कॉन्ट्रैक्शन जब होता है ना तब उस टाइम पे आपका स्टार्ट पॉइंट पीक रहता है। क्यों सर? अरे सर, पीक गया तो कॉन्ट्रैक्शन क्यों? देखो ना, एक टाइम तक ही बढ़ेगा, उसके बाद वो फॉल होना चालू हो जाता है। सर, फॉल होना जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है, उसको मेंटेन करके रखना होता है बस। अगर वो मेंटेन नहीं कर पाया उसके बाद ही वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो तुम्हारा जो सॉरी तुम्हारा जो ये जो रहेगा, ये पूरा ये वाला यहां से ये जो हो रहा है यहां तक, तो ये आपका क्या रहेगा? कॉन्ट्रैक्शन प्रेस रहेगा। क्या रहेगा? कॉन्ट्रैक्शन फ्रेज रहेगा। ये कॉन्ट्रैक्शन फ्रेज बोला तो क्या रहेगा? सर, कॉन्ट्रैक्शन फ्रेज बोला तो जहां पे डाउनवर्ड स्लोप रहेगा। दूसरा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कब होता है? जब पीक पॉइंट रहेगा। और एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कब रहेगा? थ्रो रहेगा। रिसेशन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, डिप्रेशन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। कोई भी कंट्री में रिसेशन चल रहा है मतलब उस कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा रहेगा तो लोगों के पास इनकम नहीं रहेगा। इनकम नहीं रहेगा तो पर कैपिटल इनकम कम होगा। पर कैपिटल इनकम कम होता तो पॉवर्टी बढ़ेगा। पॉवर्टी कम होता तो लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा। पैसा नहीं रहेगा तो लोग परचेस नहीं करेंगे। परचेस नहीं करेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन नहीं होगा तो जीडीपी कम होगा। जीडीपी कम होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा। नेशनल इनकम कम होगा। बैंक चाहेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करे? कम करे, ताकि लोग लोन लेके इन्वेस्टमेंट करें। जो चीज खराब हो रहा है ना वो सब तुमको किसमें मिलेगा? कॉन्ट्रैक्शन में। जब तक रिसेशन है उस टाइम तक हमको रिकवरी करना चाहिए। अगर वो रिसेशन नहीं आता, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, तो कंट्री को बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। कोई भी कंट्री में वॉर होता है, जैसे कि अभी करंटली इसराइल हमास इसराइल और गाजा के बीच में वॉर चल रहा है, वहां पर तुमको दिखेगा तो गाजा ये कंट्री में कितना सारा बम्बार्ड कर रहे हैं। अब वो बम्बार्ड कर रहे हैं, वहां पे लोगों को काम नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। अभी कोई लोग क्या ऑफिस में जाएंगे क्या? हाँ ठीक है, बॉम्ब गिरने तो गिरने जाएगा क्या? नहीं जाएंगे सर, बराबर ना। तो वहां पर ऑलमोस्ट वो कंट्री है ना अभी डिप्रेशन की तरफ चला गया। अब उसको ये वर्स्ट सिनेरियो के बाद उसको क्या होना है? बढ़ना ही है। समझ में आया? तो कॉन्ट्रैक्शन ये भी सिचुएशन आएगा, एक्सपांशन भी आएगा, अपस्विंग आएगा, डाउनस्विंग आएगा। सबको इतना समझ में आया क्या? इतना सबको समझ में आया क्या? ये जो हमने अभी पढ़ा ये सब क्या था? फ्रेजेस थे। फ्रेजेस में क्या रहेगा? एक्सपांशन पीक, कॉन्ट्रैक्शन थ्रो। एक्सपांशन में क्या आएगा? रिकवरी प्रॉस्पेरिटी। पीक आएगा। कॉन्ट्रैक्शन में क्या आएगा? रिसेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा, फिर थ्रो आएगा। वापस ये सेम चीज अप्स एंड डाउन होते ही जाएगा। सबको समझ में आया फ्रेजेस? मैंने क्या बोला? सबको समझ में आया? यस सर और नो सर? सबको समझ में आया फ्रेजेस? यस सर और नो सर? वेरी गुड, वेरी गुड। तो मुझे बताओ, मैंने अभी तुमको यहां पे कवर करते वक्त मैंने एक्सपांशन भी बोला, पीक के बारे में बताया। एक्सपांशन में तुमको बोला था मैंने फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट भी रहेगा तुमको, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी तुमको मिलेगा, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ये सब तुमको मिलेगा। एक पॉइंट पे पीक पे जाएगा, फिर बाद में वो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन के बाद थ्रो और डिप्रेशन रहेगा, उसके बाद उसको अपवर्ड ही जाना होता है। ठीक है? ये तुम लोगों का कौन सा हो गया? फ्रेजेस हो गया। होप सो सबको फ्रेजेस सबको समझ में आया रहेगा। जो जो चीज बोला ध्यान से सुनेंगे सबको, होप सो फ्रेजेस सबको समझ में आया रहेगा। ओके, उसके बाद इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अच्छा, ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या रहेगा सर? ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ आएगा। इसमें तीन इंडिकेटर्स है, ठीक है? एक होता है लीडिंग इंडिकेटर, लैगिंग इंडिकेटर, कोइंसिडेंट इंडिकेटर। ठीक है? डिप्रेशन के बाद क्या है सर? डिप्रेशन हो गया मतलब वर्स्ट सिनेरियो हो गया ना। अब वर्स्ट, इससे और वर्स्ट कुछ हो सकता है क्या? अब कुछ भी डेवलपमेंट हुआ मतलब वो रिकवरी होगा, समझा? ठीक है? अच्छा, अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक इंडिकेटर, उसमें आते हैं हम लोग लीडिंग इंडिकेटर में आते हैं। अच्छा, लीडिंग इंडिकेटर बोला तो क्या रहेगा? एक मिनट,
लीडिंग इंडिकेटर क्या रहेगा? सर लीडिंग इंडिकेटर बोलेगा ना, कुछ भी चेंजेस हुआ है, चेंजेस अभी तक नहीं हुआ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत कुछ चेंजेस होने वाला है, मैं आज ही वो डिसाइड कर रहा हूं, उसको बोलेंगे लीडिंग इंडिकेटर। एक एग्जांपल लेते, समझो हमारे कंट्री में बड़े बड़े मशीनरीज आ रहे, बहुत सारे हमारे कंट्री में FDI ज्यादा आ रहा है, तो ये क्या शो करता है कि हमारा कंट्री में फ्यूचर में डेवलपमेंट होने वाला है। तो फ्यूचर में डेवलपमेंट अभी तक हुआ क्या? नहीं हुआ, लेकिन होने वाला है, मतलब चेंजेस होगा, लेकिन उसका प्रिडिक्शन मैं अभी कर रहा हूँ बराबर, लेकिन कभी का कर रहा हूँ फ्यूचर का। कुछ भी फ्यूचर में चेंजेस होने वाला है उसके पहले मैं जब प्रिडिक्ट करना चालू करता हूँ उसको बोलूंगा मैं लीडिंग इंडिकेटर। क्या बोलूंगा मैं? लीडिंग इंडिकेटर। कुछ भी देखो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? इकोनॉमिक फैक्टर दैट चेंजेस बिफोर, चेंजेस बिफोर, चेंज होने के पहले स्टार्ट फॉलो द पर्टिकुलर ट्रेंड, इन अदर वर्ड द चेंज बिफोर द रियल आउटपुट चेंजेस, क्या बोला है उसको? लीडिंग इंडिकेटर बोला गया है। समझा? कुछ भी चेंजेस फ्यूचर के बारे में, अच्छा जरूरी है क्या फ्यूचर में वो बढ़ेगा ही? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आज आज हम लोग कभी अभी इसराइल जैसे कंट्री का बात करेगा, उनका कंफर्म मालूम है कि आने वाले टाइम में उनका इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा? कमी होगा, इसलिए क्योंकि उन लोगों ने पूरा पैसा उसी में डाला, इंडस्ट्री बंद करके रखा, सब कुछ किया, वॉर में डाल रहे हैं, तो आने वाला टाइम में उनका इकोनॉमिक फॉल ही होने वाला है। तो ये अभी दिख रहा ही है, तो ये दिख रहा है, मतलब चेंजेस होने के पहले ये डिसाइड किया, उसको क्या बोलेंगे? लीडिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर दैट डज नॉट मीन्स कि बढ़ना ही चाहिए, कम भी हो सकता है, लेकिन पहले प्रिडिक्ट करना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लीडिंग इंडिकेटर। उसके बाद आता है लैगिंग इंडिकेटर। अच्छा लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है? सर लैगिंग इंडिकेटर जो होता है ना, चेंजेस होने के बाद हम लोग ने डिसीजन लिया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ तो अच्छे से समझेगा, बहुत सारे तो एग्जांपल अपन कवर करने जाएंगे तो फिर अपना सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि पूरा मिला के 60 आवर्स का सिलेबस होता है, वो 60 आवर्स का सिलेबस अपन 12 आवर्स में खत्म करा तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन अपन ने मैक्सिमम चीज कवर करने की कोशिश की और मैंने किया भी है इसका, ठीक है। लेकिन देन टू लैगिंग इंडिकेटर, एक एग्जाम्पल दे रहा था मैं, आज से ना 2004 में रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था। तो रशिया ने यूक्रेन पे जब अटैक किया था उस टाइम पे वर्ल्ड में वीट, गेहूं का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला रशिया है, सेकंड यूक्रेन है, थर्ड कौन है? इंडिया है। तो रशिया ने जैसे यूक्रेन पे अटैक किया तो पूरे वर्ल्ड ने रशिया के ऊपर सैंक्शन डाला, तो उससे कोई वीट परचेस नहीं कर सकता था, यूक्रेन का हालत खराब था, वो तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, तो बचा कौन सा? तीसरा कंट्री इंडिया। तो इंडिया ने क्या किया? बहुत पैसा कमाया, जितना अपने पास गेहूं था सब मार्केट में क्या किया? बेच दिया। एक टाइम ऐसा आ गया कि हमारे पास गेहूं नहीं था, मतलब इतना आपने गेहूं बाहर भेज दिया, अपने पास प्रॉपर डेटा नहीं था। तुमने 12th स्टैंडर्ड में डिफिकल्टीज ऑफ नेशनल इनकम पढ़ा रहेगा, उसमें ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, सेकंड पॉइंट था उसमें कि है ना हमारे पास रिलायबल डेटा नहीं होता है, तो इसके लिए हम लोग ने धड़ाधड़ क्या किया? एक्सपोर्ट कर दिया। अपने एक्सपोर्ट करने के बाद, एक्सपोर्ट जैसे ही कर दिया, फिर हम लोग ने जिसको बेचा उनसे ही ज़्यादा प्राइस में हम लोग ने क्या किया? गेहूं परचेस किया, बराबर। ये 2004 का है। वैसे 2021 में सेम सिचुएशन हो गया, वैसे रशिया ने किसके ऊपर किया? यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, रशिया के ऊपर सैंक्शन डाल दिया, यूक्रेन का हालत नहीं एक्सपोर्ट करने का। फिर बाद में अपने इंडिया ने क्या किया? वीट क्या करना चालू किया? एक्सपोर्ट करना चालू किया। अपने इंडिया ने भी बहुत अच्छा प्राइस कमाया, लेकिन हम लोग ने एक पॉइंट के बाद हम लोग ने वीट एक्सपोर्ट पे क्या किया? बैन लगा दिया। क्यों बैन लगा दिया? इसके पहले हम लोग ने ऐसा किया था, वापिस ये दोहराने का नहीं है। ऐसे कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर। तुम आज भी गूगल में सर्च कर सकते हैं, हम लोग ने वीट, राइस, शुगर के ऊपर बैन करके रखा है, हम लोग ये एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हम लोग, क्योंकि हमारे कंट्री के लोगों को भी तो चाहिए ना खाने के लिए, ये सब चीज होना चाहिए। समझा क्या? हाँ, आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, उसमें तुमको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोइंसिडेंट इंडिकेटर। सर कोइंसिडेंट इंडिकेटर बोलेगा तो देखो, पहला मैंने कौन सा बोला? लीडिंग इंडिकेटर, चेंजेस होने के पहले डिसाइड किया। लैगिंग इंडिकेटर बोला तो क्या रहेगा? लैगिंग इंडिकेटर चेंजेस होने के बाद मैंने डिसीजन लिया। और कोइंसिडेंट इंडिकेटर बोला तो जब सिचुएशन अराइज, इकोनॉमिक एक्टिविटी जब कम हो रहा है, समझो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रहा है, कुछ डिसीजन ले वो बढ़ जाएगा, फिर वापस कम हो रहा है, वापस डिसीजन ले, बहुत बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वापस कम कर, मतलब ऑन द स्पॉट जो डिसीजन लिया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट इंडिकेटर। ये तीन इंडिकेटर बताए, सबको समझ में आया क्या? यस सर और नो सर।
सब लोग डालेंगे समझा सर। थैंक यू समझा सर, ऐसा लिख के डालो तो समझ में आएगा। ठीक है, तो मतलब मैंने दो चीज बताया, एक फ्रेजेस बताया और दूसरा कौन सा बताया, इंडिकेटर बताया। एक चीज याद रखना, हर एक लाइन लीडिंग इंडिकेटर, लीडिंग इंडिकेटर बोला ना, चेंजेस होने के पहले मैंने जो डिसीजन लिया उसको लीडिंग इंडिकेटर बोलेंगे। ठीक है, चेंजेस होने के पहले। कल एक चीज याद रखना, चैप्टर नंबर 5 सुनना मैं क्या बोल रहा, ध्यान से। कोई भी टीचर कोई भी चीज पढ़ाता रहेगा, मॉड्यूल जो है मॉड्यूल का हर एक लाइन तुमको रीड करने का अच्छे से, हर एक लाइन तुमको अच्छे से रीड करने का है। उसमें कॉन्सेप्ट समझा इंपॉर्टेंट नहीं है, सीएफसी में इन बिटवीन इकोनॉमिक का कुछ भी हो, चैप्टर के इन बिटवीन लाइन रहेगा ना, उसमें से उठाएंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन डालेंगे, समझा। तो कॉन्सेप्ट हमको समझ में आता है कभी कभी, अरे ये क्या है करके। इसके लिए आपको हर चीज क्या रहेगा, हर चीज आपको क्या रहेगा, समझ में रीड करके हो जाना चाहिए। समझ में आया क्या? हाँ ओके ओके ठीक है ठीक है। हाँ यस 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 बराबर बराबर ठीक है। कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, ठीक है, कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। अब यहां पर ये तीसरा फेजेस है, कॉजेस ऑफ बिजनेस साइकिल क्या रहेगा। अब है ना, यहां पे एक इंटरनल कॉज है और दूसरा कौन सा है, एक्सटर्नल कॉज है। ठीक है, ये एकदम सिंपल है, इसको भी ये तो मेरे को बोलू ना, एकदम सबसे सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने डिमांड पढ़ा था, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, आप लोग है ना बार बार देखा रहेगा, बराबर ना। मतलब आपका बिजनेस साइकिल कभी बढ़ रहा है, मतलब बिजनेस साइकिल बढ़ रहा है मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, और बिजनेस साइकिल कम हो रहा है मतलब क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बराबर बराबर ना। तो बिजनेस साइकिल बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, बिजनेस एक्सपेंशन हो रहा है तो क्यों एक्सपेंशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है क्यों कॉन्ट्रैक्शन है, वो समझ के लेते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग पहले एक्सटर्नल देख लेते हैं, पहले एक्सटर्नल देखते हैं फिर बाद में देखते हैं। मुझे बता कभी वॉर हुआ, अभी बहुत सारे कंट्री में बहुत जगह में वॉर चल रहा है, बराबर। वॉर अगर होता है तो वॉर जितना ज्यादा रहेगा तो मुझे बताओ एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। वॉर जब हो गया तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, सॉरी एक्सपेंशन होगा कि कॉन्ट्रेक्शन होगा, ऐसा बोलना चाहिए मैं, एक्सपेंशन होगा कि कॉन्ट्रेक्शन होगा, ऑब्वियसली कॉन्ट्रेक्शन होगा। और वॉर नहीं होगा तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, समझा ना। रशिया इकोनॉमिक क्या हो रहा है, डाउनफॉल में जा रहा है। यूक्रेन इकोनॉमिक क्या हो रहा है, डाउनफॉल में हो रहा है। आईएमएफ का तुम लोग है ना लास्ट वीक का है ना, तुम लोग आईएमएफ का है ना प्रिडिक्शन, कोई कौन सा कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा ऐसा करके देखेंगे ना, तो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ है ना 6.6% से, यूएसए का 0.6 या 1.2, यूके का 1.2, ऐसे ही सबका इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाइना का 4% ऐसा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, समझ में है ना। तो हमारे कंट्री में अभी तक वॉर में किसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो हमारे कंट्री का क्या होगा, एक्सपेंशन रहेगा। बाकी सब कंट्री जो वॉर में इन्वॉल्व है उनका क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, वॉर हो जाने के बाद, वॉर जब हो जाएगा तो सब कुछ तो तबाह हो गया है, अब कुछ भी बनेगा वो एक्सपेंशन ही रहेगा, है ना। तो मतलब वॉर होने के बाद क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। जब वॉर होगा तब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, बराबर। टेक्नोलॉजी शॉक, कोई कंट्री में नया टेक्नोलॉजी लेके आया, समझो ऐसा कुछ लिखा है, वॉच अगर जैसे वॉच है जुप करके ओपन हो गया, वो मेरे को पूछा कैसा है, हाँ हाँ ठीक है, अपन डायरेक्ट ऐसे वॉच में देख के बात करें, ऐसा किसी ने इन्वेस्टमेंट किया तो बाकी सब मोबाइल का शेयर्स कम हो जाएगा, उधर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जिधर बन गया उधर क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। नेचुरल फैक्टर मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, जिस कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्स ज्यादा रहेगा वहां पर एक्सपेंशन रहेगा, जिस कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्स कम रहेगा उधर क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन रहेगा, बराबर। पॉपुलेशन ग्रोथ, जिस कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा याद रखना एक्सपांशन होगा, और पॉपुलेशन जिधर कम रहेगा उधर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। अपने इंडिया कंट्री का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से बुरा भी है, लेकिन अपने इंडिया में जितने लोग हैं पूरे वर्ल्ड में याद रखना, आने वाला 10 साल आगे और 20 साल में ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहेगा मालूम है, पॉपुलेशन प्रॉब्लम रहेगा, समझा। तो ये एक चीज है, तो ये समझ में आया ना। तो यहाँ पे तुम्हारा एक्सपांशन इन डिमांड रहेगा या कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड रहेगा, कुछ ना कुछ सिचुएशन होगा, ये एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन को ही हम लोग
बिजनेस साइकिल में ही ये सब एक्सटर्नल कॉस्ट, अभी इंटरनल कॉस्ट देखते हैं। मुझे बताओ एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ गया तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, और एग्रीगेट डिमांड अगर कम हुआ तो क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। अपने कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, एक्सपेंशन होगा, इन्वेस्टमेंट कम हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गया, गवर्नमेंट ने खर्चा करना चाहे रोड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ा दिया तो क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। गवर्नमेंट सब खर्चा कम कर दिया तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। बराबर। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, तुमको मालूम है ना दो पॉलिसी तुम लोग ने पढ़ा भी रहेगा, बीसीके में पढ़ा रहेगा, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा होता है फिस्कल पॉलिसी। किस कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी अगर अच्छा रहेगा एक्सपेंशन होगा, और खराब रहेगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसी तरह से सब रहेगा। मनी सप्लाई अगर ज्यादा रहेगा तो एक्सपेंशन, मनी सप्लाई कम रहेगा तो कॉन्ट्रैक्शन। कोई कंट्री के बारे में अच्छा सोच रहे, कंट्री अपना कंट्री जो करेगा सब कुछ करेगा, कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स द कंट्री बहुत ज्यादा रहेगा तो एक्सपेंशन होगा। अगर कंट्री में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। लोगों का साइकोलॉजिकल रहता है। तो इसमें तुम अगर देखेगा तो टेक्निकली देखा जाएगा ना, टेक्निकली जाएगा तो हम लोगों को है ना, यही तुम लोगों को ये तुम्हारा पूरा मिलाकर बिजनेस साइकिल है। इसमें मैं वापिस क्लियरली तुमको बोल रहा हूं, मैंने कवर किया है, बट देन टू आप लोगों को बिजनेस साइकिल में जो इंस्टीट्यूट का बुक है, ICI का बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें तुम लोगों को हर एक चीज लाइन टू लाइन रीड करने का है। बहुत सारे लोग शॉर्टकट तुमको बताएंगे, मैं बोलता हूं शॉर्टकट में जाओ मत। तुम लोगों को चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 1 जो होता है वो आप जितना हो सके उतना डिटेल में पढ़ो। जितना तुम डिटेल में पढ़ेगा उतना तुमको फायदा है, बाकी को फायदा मतलब उतना तुमको अच्छा रहेगा, उतना तुम MCQ सॉल्व कर सकता है। सबको समझ में आया ना? अरे क्या पागल हो गया क्या, ओमकार सर जिंदाबाद बोल रहा तेली की, तो ठीक है सबको समझ में आया इतना? यस सर और नो सर? यस, लाइन टू लाइन रीड करने का तो ही, और रीड मत करो, समराइज नोट्स बनाओ। जितना तुम समराइज नोट्स बनाएगा उतना अच्छा होता है। कभी भी याद रखना CFC का 2 गोल्डन रूल है। आप CA कर रहे हो ना, उसका 2 गोल्डन रूल होता है। एक, जो चीज तुमको नहीं आता है एग्जाम में वही आता है। दूसरा, जितना तुम अच्छा नोट्स बनाते हैं कोई भी चैप्टर रहने दो, जितना तुम अच्छा नोट्स बनाते हैं उस टाइम पे वो नोट्स ही तुम्हारा साथ देने वाला है और कोई साथ नहीं देने वाला है। समझ में? तो ये दो चीज कभी भी CA करते वक्त ध्यान में रखने का। समझा क्या? समझा? समझा? यस सर और नो सर प्लीज। अपन अभी चैप्टर नंबर 1 भी करेंगे। सबको इतना समझा क्या? अरे क्या तुम लोग पागल हो गए क्या, ये पहला पढ़ो क्या है करके। सबको समझ में आया चैप्टर नंबर 5 भी? ठीक है, एक बार ओके सर बोलो। अब है ना तुम लोगों को थोड़ा सा क्या बोलता है भाई, लाल फूला नीला फूला हो क्या, कुछ भी लिखता है। हाँ? ये सब लिखते क्या, कोई भी आंसर लिख फटाफट फटाफट। ठीक है चलो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करें। चलो चलो अभी फोकस करते हैं, अभी फोकस करते हैं, वापस फोकस करते हैं। सब लोग बोलो फोकस, फोकस लिखो, फोकस लिखो, फोकस फोकस लिखो, तो मैं आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। मैं पानी पीता हूँ, थैंक यू। लेकिन फोकस करो, फोकस सब लोग लिखो फोकस, तो मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर सकता। देखो अभी फोकस फोकस, ठीक है। देखो अभी मैं ना कुछ चीज बता रहा हूं जो अपने मॉड्यूल में नहीं है, लेकिन आपको
वो एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। अभी देखो यहाँ पर तुम लोगों को है ना, पहली बात क्या रहेगा इकोनॉमिक्स क्या रहेगा, देखो अपन सबसे पहला अगर मैं बात करने जाऊंगा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, पहली बात मैं तुमको स्टार्टिंग के लेक्चर में बोला था इकोनॉमिक इज वॉट, ओके, सो मैं टर्म में बात करूँ, इकोनॉमिक इज अ सोशल साइंस, सोशल साइंस इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर क्या है फीलिंग, फीलिंग्स क्रिएट वॉन्ट, वॉन्ट क्रिएट यूटिलिटी, यूटिलिटी क्रिएट डिमांड, डिमांड क्रिएट परचेजिंग, परचेजिंग क्रिएट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को क्या मिलेगा इनकम, इनकम के ऊपर क्या लगेगा टैक्स, टैक्स से क्या बढ़ेगा नेशनल इनकम, नेशनल इनकम से क्या होगा इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बराबर, हाँ या ना, ठीक है। तो ये आपने इकोनॉमिक्स बोला, लेकिन इकोनॉमिक्स में और भी बहुत सारा चीज था, क्या देखो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेस आर स्केयर बट दे हैव अ ऑल्टरनेटिव यूजेस, ये भी बोला इकोनॉमिक्स में, बराबर। अभी मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से सुनना प्लीज, अगर हो सके बाद में अपने नोटबुक में ये वीडियो सुनकर नोट करके लिखना मैंने क्या बोला, सुना क्या, यस सर करके बोलना प्लीज, यस सर करके लिखो मैंने क्या बोला, अभी मैं जो बोल रहा हूँ नोट लिखना, बाद में लिखना, अभी नहीं, बाद में सुनना और ध्यान से लिखना, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ठीक है। चलो पहला तुम लोगों को अगर दिखेगा तो सबसे पहला जो डेफिनेशन है तुमको इकोनॉमिक ऑफ डेफिनेशन क्या लिखा है, देखो यस यस ओके, अभी देखो यहां पे वेल्थ डेफिनेशन बाय एडम स्मिथ क्या बोला, पहला अभी जो मैं बोल रहा हूँ लिख लेना, बाद में स्लो करके लिख लेना, ठीक है। अभी मैं बोलता हूँ, जितना मैक्सिमम तुमको कंटेंट दे पाऊंगा उतना तुमको अच्छा, ठीक है, ओके। देखो क्या, पहला इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ वेल्थ, इट इज ऑल्सो नोन एज वेल्थ डेफिनेशन इंट्रोड्यूस बाय एडम स्मिथ हु इज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक, ही इज अ क्लासिकल इकोनॉमिक्स, इसने एक बुक लिखा एन इंक्वायरी ऑफ नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन इन द ईयर 1776 में, ओके, एंड ही फोकस्ड मोर फोकस्ड ऑन वेल्थ, ही हैज फॉलोअर डेविड रिकार्डो, जेबी से एंड माल्थस, MALTHUS, माल्थस। अब मैंने जो बोला है ना ये तुम लोग बाद में अच्छे से लिख लेना, यस सर और नो सर, मैं ऐसे ही बाकी के चार भी बोलने वाला हूं, यस सर और नो सर, यस सर और नो सर प्लीज, समझा, डन, बस बस, माल्थस माल्थस, यस यस। अब वापिस बोलता हूं मैं, एक बार वापिस बोलता हूं फिर मैं स्टार्ट करता हूं, तो तुम लोगों को वन शॉट में समझ में आएगा, उसको स्लो से भी देख सकते हैं, 0.5 से वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने बोला वेल्थ डेफिनेशन, वेल्थ मतलब इकोनॉमिक इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, इट इज ऑल्सो नोन एज वेल्थ डेफिनेशन, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडम स्मिथ, ही इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक, ही इज अ क्लासिकल इकोनॉमिक्स, एक बुक लिखा एन इंक्वायरी ऑफ नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन इन द ईयर 1776, ही हैज फॉलोअर J.B.C, डेविड रिकार्डो एंड माल्थस, ठीक है, ही मोर फोकस्ड ऑन क्या रहेगा वेल्थ। सेकेंड पॉइंट जो लिखा है वेलफेयर डेफिनेशन, ठीक है, इसको बोलेंगे इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ वेलफेयर, इट इज ऑल्सो नोन एज वेलफेयर डेफिनेशन, this concept is introduced by professor alfred marshall, he is also known as father of law, he is also known as neoclassical economist, he wrote the book that is principle of economics in the year 1890, okay, he more focused on welfare and less focused on wealth, matlab ye dono cheez pe focus karta tha, wealth as well as welfare, he has a follower, one follower that is J.B.C, ठीक है। second
अच्छा क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोलते जो ओल्डेस्ट इकोनॉमिक होता है, नियो क्लासिकल बोलते ओल्डेस्ट से थोड़ा नया, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा थर्ड वाला जिसको हम लोग बोलेंगे स्कैसिटी डेफिनेशन। ये स्कैसिटी डेफिनेशन क्या, मतलब इकोनॉमिक इज अ साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। ये मेरा थर्ड पॉइंट बोला, इकोनॉमिक इज अ साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज स्कैसिटी डेफिनेशन। दिस कॉन्सेप्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन, ठीक है। इसने बुक लिखा सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1931 और 1932, ठीक है। इसको मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, ओके। इसने एक लॉ लिखा उसको बोलते हैं लॉ ऑफ स्केयरसिटी। इसका मतलब होता है ह्यूमन वांट कैन बी सेटिस्फाइड बट नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइड। ह्यूमन वांट कैन बी सेटिस्फाइड बट नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइड, इसको हम लोग बोलेंगे, कौन बोलेंगे यहाँ पे, किसने बोला, लियोनेल रॉबिन ने बोला। इसका फॉलोअर कोई नहीं था। सो इसका फॉलोअर क्यों नहीं था, इसका रीजन ये है क्योंकि आपने ना 1931-1932 में इसने इकोनॉमिक्स पढ़ाया था, फिर बाद में तुम लोग ने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा इकोनॉमिक विच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक डिवाइड करने वाला कौन था, रैग्नर फ्रिश करके बंदा था, जिसने इन द ईयर 1933 को इकोनॉमिक को दो पार्ट में डिवाइड किया, माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक। इसलिए इसका कोई भी फॉलोअर नहीं था। अब हम लोग ने 12th स्टैंडर्ड में माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक पढ़ा था, तो मैं उसके हेड पॉइंट्स बता रहा हूं। तो इधर माइक्रो इकोनॉमिक इधर मैक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो इकोनॉमिक में स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, मैक्रो में स्टडी ऑफ एग्रीगेट, प्राइस थियरी, इनकम थियरी, स्लाइसिंग मेथड, लंपिंग मेथड, प्राइस पार्शियल इक्विलिब्रियम, इसको जनरल इक्विलिब्रियम, बेस्ड ऑन अजम्पशन, बेस्ड ऑन इंटरडिपेंडेंस, लिमिटेड स्कोप, अनलिमिटेड स्कोप। ये तो पांच छह पॉइंट मिलेगा तुमको, लेकिन इसमें माइक्रो इकोनॉमिक में और भी है, एनालिसिस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, और एक मार्जिनलिज्म, और इसमें पॉलिसी ओरिएंटेड, ओके। यहां पे तुमको इस तरह के माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक तुमको मिलेगा। समझ में आया क्या, यस और नो, समझा। इसके बाद इसी के अंदर ग्रोथ डेफिनेशन है। अभी ग्रोथ डेफिनेशन क्या बोलता है, सबसे पहला ये बोलता है इकोनॉमिक इज अ साइंस, मतलब फोर्थ वाला बोल रहा हूं मैं, इकोनॉमिक इज अ साइंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ डेफिनेशन। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉल सैमुएलसन। इसने इकोनॉमिक को बोला इट इज द क्वीन ऑफ सोशल साइंस। इसके भी फॉलोअर है, कौन कौन है, ए डॉट सी, सॉरी जे जेकॉब विनर करके, जेकॉब विनर करके इसका फॉलोअर था। समझ में आया क्या, ये चार चीज है जो अपने बुक में नहीं है, मॉडल में नहीं है, लेकिन तुमको मालूम रहना चाहिए। इतना सबको समझा मैंने, और ये प्लीज हो सके अपने नोटबुक में नोट डाउन करना, मेरे को याद हो गया ऐसा कभी नहीं होगा, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। अगर समझ में आया तो प्लीज समझा सर ऐसा लिख कर डालो, तो मेरे को मालूम पड़ेगा क्या समझा सर। समझा सर, ठीक है, सब लोग लिखेंगे ना, सबको समझाना ये वाला, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। कैसा अपन जब ऑनलाइन जब लेक्चर चलता है तब हम बैठते हैं ना, हम लोग को ना बहुत ज्यादा और अच्छे से लाइवली समझ में आता है। हम जब रिकॉर्ड लेक्चर बाद में देखते हैं ना, तो उस टाइम पे कैसा हम लोग डाइवर्ट भी होते हैं, थोड़ा टाइम रुकते हैं थोड़ा टाइम, इसमें आप बहुत कनेक्टेड रहते हैं, तो आप उन बहुत जन लोग कनेक्टेड है, इसके लिए मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ओके। देखो यहाँ पे ना मैंने ऐसा लिखा हुआ है, ये देखो जे बी से ने उसने क्या बोला, इकोनॉमिक इज साइंस विच डील्स विद वेल्थ, ये ऐसा मिलेगा तुमको, तो वो जे बी से ने लिखा है, उसने मैंने जो भी बताया तुमको इसमें तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज हो गया। इसके बाद है ना तुम लोगों को नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स भी मिलेगा। अब नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक ये भी मॉड्यूल में है, यहाँ मैं वापस बता रहा हूँ, मॉड्यूल जो है अल्फ्रेड मार्शल को फॉलो करता है, ए डॉट सी डॉट पिगू, पिगाओ ऐसा भी बोलता है उसको, ठीक है, ओके। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड बेल बटन एंड नो वेट, इसमें लिखा है, ओके।
यहां पे क्या बोला, इकोनॉमिक इज अ साइंस. देखो क्या, इकोनॉमिक इज अ साइंस. क्यों सर इकोनॉमिक इज अ साइंस, अभी बताओ दरो ध्यान सुना. इकोनॉमिक इज अ साइंस बिकॉज साइंस है ना सिस्टमेटिक पढ़ाई करता है. हाँ हम तो इधर फालतूगिरी कर रहे हैं ना, नहीं हम भी तो सिस्टमेटिक पढ़ते हैं. साइंस बोलता है हमारे पास बहुत सारे डायग्राम है, तुम बोलेंगे इधर आ जा, हमारे पास भी बहुत सारा डायग्राम है. साइंस बोलता है हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट है, हम बोलते हैं भाई इधर आ जा, हमारे पास बहुत सारे इकोनॉमिक्स लोग है. साइंस बोलता है हमारे पास बहुत सारा फॉर्मूला है, वो बोलते हैं हम भी इधर आ जा, हमारे पास भी बहुत सारा फॉर्मूला है. साइंस बोलता है हमारे पास बहुत सारे कॉज एंड इफेक्ट है, हम भी बोलते हैं हमारे पास भी कॉज एंड इफेक्ट है. वो बोलते हैं हमारे पास बहुत सारा मेथोडोलॉजी है, ये बोलते हैं हमारे पास भी मेथोडोलॉजी है. तो मतलब इकोनॉमिक इज अ साइंस. लेकिन लेकिन ये अंदर की बात है. इकोनॉमिक इज अ साइंस बट इकोनॉमिक इज नॉट अ परफेक्ट साइंस. क्यों सर, साइंस हमेशा फैक्ट्स के ऊपर बात करता है बराबर, बट इकोनॉमिक हमेशा ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर बात करता है. और ह्यूमन बिहेवियर बात बात पे क्या होता है, चेंज होता है. समझो क्लास में बैठा है, उसको मैं पढ़ा रहा है, उनका सर क्या जबरदस्त पढ़ा रहा है, मजा आ गया, उसको कान खींचे मारा क्या फालतू पढ़ा रहे थे, तो ह्यूमन बिहेवियर क्या हो गया, चेंज हो गया. समझा क्या? तो ये सब चीज होता है. ये बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक में तुमको बताया हुआ है. ओके, इकोनॉमिक इज ऑल्सो एन आर्ट्स करके, आर्ट आर्ट नहीं आर्ट्स, आर्ट बरोबर बरोबर, सॉरी सॉरी. हम लोग साइंस वाले लोग से भी बढ़कर है, मतलब उसके आगे बोलता है साइंस सिर्फ इनोवेशन करता है, कॉमर्स वो इनोवेशन लोगों तक पहुंचाता है. साइंस वाले ने बड़ा सा समझो कुछ स्क्रीन एलईडी कुछ तो बनाया रहेगा, टेक्नोलॉजी बनाया, लेकिन लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, कॉमर्स है. विदाउट इट कैन नॉट बी पॉसिबल. समझा क्या? अरे और भी बहुत मजा आता था लेकिन अब उनके पास टाइम कंस्ट्रेंट है. अच्छा, बिजनेस इकोनॉमिक इज एन आर्ट. आर्ट मतलब क्या होता है, आर्ट, आर्ट नौ दस वो नहीं बोल रहा हूँ. इकोनॉमिक इज एन आर्ट, इकोनॉमिक इज एन आर्ट बोला तो टेक्निकली आर्ट है ना हमेशा प्रैक्टिकल होता है. सर इकोनॉमिक भी प्रैक्टिकल है. यस यस, इकोनॉमिक भी प्रैक्टिकल है. सर कैसे प्रैक्टिकल है? देखो एक सिंपल बोलता हूँ. आप लोग पढ़ते अपने ना कुछ भी थियोरी पढ़ा ना, वो सब प्रैक्टिकल है. कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट आप बोलेंगे वो अजम्पशन में पढ़ रहे हैं सर, उसके बेसिस पे कर रहे हैं. मैं बताता हूँ, हर एक चीज इकोनॉमिक से रिलेटेड है. हर एक चीज, हम लोग खाना बिना खाता अपना पेट भर जाता, उसको हम लॉ ऑफ डीएमयू बोलते हैं सर, डीएमयू बोलते हैं बराबर ना. माइजर जो रहता है वो एक्सेप्शन होता है. हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, ये भी अपना लॉ होता है. एक बंदा कंज्यूमर सरप्लस फॉर नेसेसरी गुड्स इज क्या रहेगा, इनफाइनाइट. कंज्यूमर सरप्लस भी रियल लाइफ में पॉसिबल है, लॉ ऑफ डीएमयू भी रियल लाइफ में पॉसिबल है, यूटिलिटी भी रियल लाइफ में पॉसिबल है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी रियल लाइफ में पॉसिबल है, प्रोडक्शन भी रियल लाइफ में पॉसिबल है, कॉस्ट भी रियल लाइफ में पॉसिबल है, मार्केट भी रियल लाइफ में पॉसिबल है, बिजनेस साइकिल भी रियल लाइफ में पॉसिबल है, माइक्रो इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक भी रियल लाइफ में पॉसिबल है. हर एक चीज जो अपन पढ़ रहे हैं ना वो सब रियल लाइफ में पॉसिबल है. फिर सर हम लोग अजम्पशन में क्यों पढ़ते? सर अजम्पशन में इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि कोई चीज को अंडरस्टैंड करना होता है तो आपको अजम्पशन होना बहुत जरूरी है. विदाउट अजम्पशन कोई चीज पॉसिबल ही नहीं है. अब मुझे बताओ, साइंटिस्ट लोगों ने भी कुछ तो सोच पहले अज्यूम किया रहेगा ना, ऐसा एयर कंडीशन होना चाहिए जिसमें से ठंडा आना चाहिए, ठंडा हवा आना चाहिए, ऐसा अज्यूम किया रहेगा ना. तो ऐसे तो बना तो अरे प्रोजेक्टर बन गया, ऐसा करते क्या? नहीं, वो लोग ने कुछ सोचा रहेगा ऐसा कुछ होगा करके, राइट? तो वो भी सोचा, मतलब वो भी अज्यूम करके ही बनाया, अजम्पशन करके बनाया था, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा हो सकता है. सो याद रखना, तो हम लोग का कुछ भी थियरी हम जब पढ़ते हैं तो इट इज अ मोस्ट 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 प्रैक्टिकल कॉम्पिटिशन. अच्छा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन रियल लाइफ में नहीं पॉसिबल है. सर देखो, परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो है ना उसका स्टार्टिंग का पांच पॉइंट तो मैंने बोला रियल लाइफ में पॉसिबल है, उसको बोलते प्योर कॉम्पिटिशन. जिस देखो आप पार्ले जी रहेगा, वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर है, हाँ, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, हाँ, होमोजेनियस प्रोडक्ट है, हाँ, सिंगल प्राइस है, हाँ, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, हाँ, पांच पॉइंट तो रियल लाइफ में पॉसिबल है. फिर सर परफेक्ट कंपटीशन क्यों पढ़ा रहे जब रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है? अगर वर्ल्ड वॉर 3 अगर हो गया तो ऐसा कोई तो मार्केट एग्जिस्ट होना चाहिए ना, वो कौन सा रहेगा? परफेक्ट कॉम्पिटिशन रहेगा जहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट गुड्स बनाएगा. समझ में आया ना? तो ऐसा सब चीज, आप कोई भी पॉइंट बताओ कौन सा चीज नहीं है, मैं तुमको बताता हूँ सब प्रैक्टिकल रियल लाइफ में पॉसिबल है. समझ में आया? लेकिन ये इकोनॉमिक इज एन आर्ट,
बराबर ना, वो प्रैक्टिकल है। हम भी जो भी पढ़ते हैं, हम सबका सब चीज क्या पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल ही पढ़ते हैं। इसमें यूज ऑफ थियरी मार्केट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज हम लोग ने अभी तक मार्केट पढ़ा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ये सब चीज हम लोग ने पढ़ा ही है। प्रैग्मेटिक इन नेचर, मैंने बोला ना कोई भी प्रॉब्लम, प्रैग्मेटिक बोलते रियल प्रॉब्लम, सॉल्विंग प्रॉब्लम। देखो एक सेलर जो होता है उसको प्राइस जो डिसाइड करने का होता है ना, इट इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द कंज्यूमर सरप्लस। सर प्राइस सेलर का, कंज्यूमर सरप्लस, मुझे बता, एक दुकान है, मैं दुकान में कुछ बेच रहा हूँ, वो बेच रहा हूँ बहुत, मेरे दुकान में गर्दी कर रहा हूँ, तो मेरे पास लोग आके परचेस कर रहे हैं, मतलब लोगों को कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है ना। हाँ सर, तो मैं क्या करूंगा, मेरा प्रोडक्ट का प्राइस उतना रखूंगा कि प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाऊंगा? ऑब्वियसली मैं प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाऊंगा इसलिए क्योंकि लोगों को कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है, इसलिए मेरे पास आया, तो प्रोडक्ट का प्राइस मैं बढ़ाया। तो प्राइस जो बढ़ाने का जो डिसाइड भी किया है वो किसने डिसाइड किया? कंज्यूमर सरप्लस ने डिसाइड किया। समझा क्या? तो ये सब चीज रहेगा। इंटर डिसिप्लिन ने बोला तो ये सब चीज तुमको हर एक इकोनॉमिक मैथ्स में मिलेगा, इकोनॉमिक तुमको साइंस में मिलेगा, इकोनॉमिक्स आर्ट में मिलेगा, इकोनॉमिक केमिस्ट्री में भी मिलेगा, ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक्स का हर एक लॉजिक, केमिस्ट्री, आई एम सॉरी गलत बोल दिया, अलग अलग कॉन्सेप्ट में तुमको इकोनॉमिक्स मिल जाएगा। अच्छा ये तुमको बताना बहुत, मेरे को बहुत जरूरी है, थोड़ा इस समझ के लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में पूछते हैं, और बहुत जन को इस पर कन्फ्यूजन भी बहुत रहता है। ठीक है, अच्छा अब है ना यहाँ पे नॉर्मेटिव, इकोनॉमिक इज अ पॉजिटिव साइंस, इकोनॉमिक इज अ नॉर्मेटिव साइंस, ये पॉजिटिव साइंस है, ये नॉर्मेटिव साइंस है, ये पॉजिटिव साइंस है, ये नॉर्मेटिव साइंस है। अब लेट्स सी पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है। पॉजिटिव साइंस बोलो तो जहां पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है। अब बोले व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन? अब देखो साइंस में वाले में दो टेस्ट ट्यूब रहता है, मिक्स किया धुआं आया, मिक्स करना इज अ कॉज, धुआं आना इज एन इफेक्ट, कंक्रीट से मारना इज अ कॉज, लाल होना इज एन इफेक्ट, प्राइस बढ़ना इज अ कॉज, डिमांड कम होना इज एन इफेक्ट। तो साइंस हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन के ऊपर बात करता है, नॉर्मेटिव साइंस है ना कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बात नहीं करता। यहां पर पॉजिटिव साइंस में डू नॉट पास द वैल्यू ऑफ जजमेंट। व्हाट इज वैल्यू ऑफ जजमेंट? इट डू नॉट गिव एनी सजेशन। नॉर्मेटिव साइंस में इट विल गिव द सजेशन। पॉजिटिव साइंस में ये हमेशा डिस्क्रिप्टिव होता है, नॉर्मेटिव साइंस ये हमेशा प्रिस्क्रिप्टिव होता है। साइंस, पॉजिटिव साइंस जो होता है व्हाट शुड बी, व्हाट ओट टू बी। तो यहां पर तुम लोग को जो जैसे कि टैक्स बढ़ा दिया, नॉर्मेटिव साइंस में उस तरह से रहता है। तो ये पॉजिटिव साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस है। सबको समझा क्या? समझा कि नहीं समझा? ठीक है, ये वाला तुम लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखने का है। अच्छा अभी देखो ये वाला पॉइंट देखो, अपने डिमांड चैप्टर, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, ये सब चीज हम लोग ने ना कवर किया है, इतना पार्ट तो हम लोग ने कवर किया है। अब रिसोर्सेस एलोकेशन क्या रहेगा, है ना, प्रोडक्ट डिमांड एनालिसिस, प्रोडक्शन कॉस्ट, अपने पढ़े ना लास्ट दो दिन से, अपन यही तो पढ़ रहे हैं अपन सब, बराबर ना। तो यहां पर रिसोर्सेस एलोकेशन बोलते ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, वो होता है। थियरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देखो ये पहले समझते, समझो पहले के टाइम में क्लासेस होते तो कैसा होता था, बेंचेस होते थे, बोर्ड होता था, बराबर ना। अब कैसा क्लासेस होने लगा, अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आने लगा, अभी है ना बोर्ड भी रहेगा, प्रोजेक्टर भी रहेगा, जूम लेक्चर भी होता है, यूट्यूब लाइव लेक्चर्स होते हैं, अब है ना लोगों को एक्सपोजर ज़्यादा मिलने लग गया। तो अभी के टाइम में कोई भी क्लासेस अगर यूज़ करते तो वहाँ पे प्रोजेक्टर होना चाहिए, डिजिटल बोर्ड होना ज़रूरी है। ओके, मतलब ये अपडेटेड है, अभी अपन बहुत आगे जाना चाहिए, लेकिन अभी भी तुमको दिखेगा बहुत सारे लोग पीछे ही है। आज भी बहुत सारा, अगर समझो कोई क्लासेस ओपन कर रहा है वहाँ पे बोर्ड ही ब्लैक कलर का बोर्ड लगा रहा है, मतलब याद रखना उसको एक या दो साल के बाद व्हाइट बोर्ड लगाना पड़ेगा, या एक दो साल के बाद स्मार्ट बोर्ड लगाना ही पड़ेगा आने वाला दस साल में तुम लोगों को कैपिटल एक अलग ही लेवल पे रहेगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ तुमको 10 साल के बाद है ना अपना क्लासरूम आज जैसा चल रहा है वैसा नहीं रहेगा, हर कोई क्लासरूम में डिजिटल क्लासरूम रहेगा, अच्छे से समझ में आएगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ, बहुत अलग होगा आने वाला टाइम में। प्रॉफिट एनालिसिस, मुझे बताओ तुम लोग ने अकाउंट्स में पढ़ते रहेंगे, आप कितना भी बिजनेस करते हो उसका कुछ प्रॉफिट जो आप कमाते हो कुछ प्रॉफिट आपको बाजू में रखना पड़ता है, फिर वो प्रॉफिट कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कहाँ पे नहीं करना चाहिए ये भी इकोनॉमिक्स ही बोलता है।
और लास्ट पॉइंट कौन सा, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी. व्हाट इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी? एग्जांपल लेते हैं, रिस्क बोला तो जो मुझे मालूम है, अनसर्टेनिटी बोला तो मुझे मालूम नहीं है. समझ में आया क्या? तो ये एक चीज रहेगा इसमें. ये वाला पॉइंट देखो यहां पे, सेंट्रल प्रॉब्लम. कोई भी कंट्री में चार प्रॉब्लम होते हैं. कोई भी कंट्री, अब उन्हें एक एक कंट्री का एग्जाम्पल भी देंगे. पहला क्वेश्चन है ना, वो कंट्री कभी भी क्या पूछेगा, वॉट टू प्रोड्यूस. अपना इंडिया जैसा कंट्री क्या बोलेगा, भाई हमको है ना प्रोड्यूस करने का है, हमको है ना समझो प्रोड्यूस करने का है. क्या प्रोड्यूस करने का है? तो हम बोलेंगे कि राइस ग्रो प्रोड्यूस करने का, टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करने का, ये सब चीज बोलेंगे. रशिया जैसा कंट्री रहेगा वो बोलेगा आर्म्स और एम्युनिशन प्रोड्यूस करना चाहिए. यूक्रेन जैसा कंट्री बोलेगा आर्म्स और एम्युनिशन प्रोड्यूस करना चाहिए. समझा ना? मतलब हर कंट्री का डिपेंड करेगा उसका कंट्री का सिचुएशन कैसा है. अपना कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा फोकस करेंगे, टेक्नोलॉजी में फोकस करेंगे, क्योंकि हमारा कंट्री किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन रशिया बहुत सारी जगह में इन्वॉल्व है. इसके लिए उस कंट्री में डिसीजन व्हाट टू प्रोड्यूस कंट्री टू कंट्री क्या होगा, चेंज होगा. तो ये ठीक है. उसके बाद यहां पे ना हाउ टू प्रोड्यूस क्वेश्चन आता है. हाउ टू प्रोड्यूस बोला तो मुझे बताओ, हमारा कंट्री में दो टेक्नोलॉजी होता है, एक लेबर इंटेंसिव होता है और दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव होता है. एक लेबर इंटेंसिव होता है और एक कैपिटल इंटेंसिव होता है. अगर कोई भी कंट्री में पॉपुलेशन अगर ज्यादा रहेगा तो लेबर इंटेंसिव रहेगा कि कैपिटल इंटेंसिव रहेगा? ऑब्वियसली लेबर इंटेंसिव रहेगा. और जिस कंट्री में पॉपुलेशन कम रहेगा वहां पर क्या यूज करेंगे, कैपिटल इंटेंसिव. अब जापान जैसे कंट्री में लेबर इंटेंसिव रहेगा क्या? नहीं सर, वहां पे कैपिटल इंटेंसिव. इंडिया जैसे कंट्री में लेबर इंटेंसिव रहेगा कि कैपिटल इंटेंसिव रहेगा? लेबर लेबर इंटेंसिव रहेगा. समझ में आया यहां पे क्या रहेगा? लेबर इंटेंसिव रहेगा. होप सो सबको समझ में आ रहेगा. तो पहला क्वेश्चन है क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, दूसरा कौन सा टेक्निक से प्रोड्यूस करना चाहिए, किस तरह से प्रोड्यूस करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव से करना चाहिए या कैपिटल इंटेंसिव से करना चाहिए, फॉर होम टू बी प्रोड्यूस, ये थर्ड क्वेश्चन होता है. अपने इंडिया में रिच लोग ज्यादा है कि लेबर पुअर लोग ज्यादा है? अगर रिच लोग ज्यादा रहेगा तो रिच लोगों के जैसा प्रोडक्ट बनाओ, और पुअर लोग रहेंगे तो पुअर लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाओ. समझा? तो ये तीसरा क्वेश्चन है. और चौथा क्वेश्चन है, व्हाट प्रोविजन आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर समझो मेरे कंट्री में रिसोर्सेस है और वो रिसोर्सेस मेरे कंट्री में बहुत सारा है और मैं आज ही सब रिसोर्सेस यूज कर लिया तो फ्यूचर के लिए कुछ रहेगा क्या? नहीं. तो फ्यूचर के लिए भी कुछ ना कुछ रखना चाहिए कि नहीं? आज का गवर्नमेंट रहेगा समझो लोन लेते जा रहा है तो उसका इंटरेस्ट या उसका पैसा मैं आज का प्रेजेंट पॉपुलेशन नहीं देगा, आने वाला पॉपुलेशन देगा. तो लोन लेते वक्त कंट्रोल रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? इसका इंटरेस्ट भरेगा कौन? फ्यूचर का जनरेशन भरेगा. आज हम लोग भर रहे हैं ना बहुत सारा, तो आज का थोड़ी, पहले का पास्ट का जो लोन रहेगा वो आज का गवर्नमेंट भर रहा है. तो आज अगर जितना लेगा वो फ्यूचर का गवर्नमेंट लेगा. तो यहां पर इस तरह से ये चार क्वेश्चन कोई भी कंट्री में क्या करता है, पूछता है. देखो अभी यहां पर है ना, मुझे ये सोशलिस्ट इकोनॉमिक, मिक्स्ड इकोनॉमिक और कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मुझे जाना नहीं है. इसलिए नहीं जाना है क्योंकि एकदम सिंपल टॉपिक है. मैं थोड़ा थोड़ा रफ आइडिया बता देता हूं. सोशलिस्ट इकोनॉमिक बोलो तो जहां पर गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल है. कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक बोलो तो जहां पर प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा कंट्रोल है. अमेरिका जैसा कंट्री ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक है, रशिया जैसा कंट्री सोशलिस्ट कंट्री है. अमेरिका में आप आर्म्स और एम्युनिशन बनाओ और मार्केट में बेचो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सोशलिस्ट कंट्री में गवर्नमेंट जो बोलेगा वही चीज प्रोडक्शन होगा और कुछ प्रोडक्शन नहीं होगा. तो आपने इंडिया ने देखा कि हमको कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक होना चाहिए कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक होना चाहिए. कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक रहेगा तो ज्यादा पावर प्राइवेट सेक्टर के पास जाएगा, सोशलिस्ट इकोनॉमिक रहेगा तो ज्यादा पावर गवर्नमेंट के पास रहेगा. हमको ऐसा कुछ नहीं करने का है, हमको सबको साथ में लेके चलने का है. इसके लिए हमारा कंट्री ने कौन सा चालू किया, मिक्स्ड इकोनॉमिक चालू किया. समझ में आया क्या? अरे बाबा, पहले बात करने से पहले समझ के लो, नहीं टाइम पास नहीं करने का, अपन को फोकस करने का बच्चा लोग. क्योंकि हम लोग पढ़ने के लिए आए तो अपन को ज्यादा फोकस करेंगे. अपन बात तो अपन बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है? थोड़ा ध्यान दो प्लीज. ओके तो यहां पे सोशलिस्ट इकोनॉमिक, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक और क्या रहेगा, मिक्स्ड इकोनॉमिक रहेगा. सबको समझ में आया इतना? यस और नो प्लीज, यस सर और नो सर एक बार बोल दो प्लीज. यस सर, नो सर, यस सर, नो सर, प्लीज सब लोग बोलो यस सर और नो सर.
ठीक है, डन डन। अब थोड़ा सा हम लोग है ना, किस तरह से हम लोग ये प्रिपेयर करने का थोड़ा सा हम लोग पढ़ने के लिए देखते हैं। हम लोग है ना थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग किस तरह से CFC का प्रिपरेशन करने का। थोड़ा सा अभी 5-10 मिनट थोड़ा मेरा सुनो, थोड़ा गाइडेंस देता हूँ, फिर बाद में अपन वाइंड अप करेंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनना क्या क्या। पहली बात, आप लोग जब CA कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप करियर ओरिएंटेड स्टूडेंट रहना चाहिए, पहला। दूसरा, आप लोगों को हम जो भी चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं वो फोकस करके पढ़ने का रहता है। दूसरा चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने तुमको बोला है स्टार्टिंग में ही कि जो चीज़ मुझे नहीं आता है एग्ज़ाम में वही आता है, तो मुझे सब चीज़ आना ज़रूरी है। नोट्स जितना हो सके उतना अच्छे से प्रिपेयर करो। मैं 2-3 पॉइंट्स बोला, थोड़ा सा अगर ध्यान से अगर तुमने वो कर लिया ना तो बहुत अच्छा रहेगा। पहला, नोट्स तो आप लोग ने अच्छे से बना लिया। दूसरा, आप जब MCQ सॉल्व करना चालू करेंगे उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना, एक जिसमें मुझे डाउट है, दूसरा जो मुझे नहीं आता है। और जिसमें मुझे डाउट है उसको सर्कल करके ऐसा नहीं करने का। तो क्या करने का सर? आपका जो नोटबुक रहेगा उस नोटबुक में जब भी कुछ डाउट आएगा तो डाउट लिखने का, क्वेश्चन नंबर लिखते जाने का, और जो नहीं आता है उसका क्वेश्चन नंबर लिख के जाने का, ठीक है। सर ऐसा करके क्या मिलेगा? जब मेरा डाउट सॉल्व हो गया तो खत्म हो गया ना? नहीं, अगर वो पढ़ाने के बाद भी तुमको वो डाउट आ रहा है और बाद में आपका डाउट वो सॉल्व हो गया, तब वो डाउट का आपका रिविजन होना चाहिए एग्जाम के टाइम पे। और वो डाउट वो एग्जाम के टाइम पे तुम्हारा रिवाइज हो गया तो आप फुल्ली कॉन्फिडेंट रहोगे। प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? बहुत जन है ना, हाँ ठीक है ये मेरे को आ गया चल, नहीं ऐसा ओरली नहीं होगा। कुछ भी चीज होगा लिखा हुआ रहना चाहिए, नोटबुक में लिखा हुआ रहना चाहिए। नोटबुक में लिखा नहीं ना, तुम कोई भी चीज, हाँ अच्छा कोई टीचर ने समझो कुछ डाउट सॉल्व किया, कुछ किया रहेगा, हाँ हाँ ऐसा रहेगा, नो लिखो, लिखना चाहिए आपको कंपलसरी। आपके पास मैं वापस बता रहा हूं, आपका एग्जाम के टाइम में आपका साथ देने वाला आपका पेरेंट्स नहीं है, आपका टीचर नहीं है, आपका क्लासेस नहीं है, आपके दोस्त लोग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका बुक है, और वो बुक को अच्छे से प्रिपेयर करके रखने का। तो इसके लिए जब भी तुमको MCQ करते वक्त कुछ भी डाउट रहेगा, अगर डाउट आया तो वो पेज नंबर और वो MCQ नंबर अपने पास बुक में रहना चाहिए। जो नहीं आता है उसका भी नंबर लिखा हुआ रहना चाहिए, और उसका जो भी रहेगा डाउट सॉल्विंग हो जाएगा, उसके बाद आपको वो एग्जाम के टाइम में रिविजन करना बहुत जरूरी है, और वो जो भी डाउट सॉल्व रहेगा उसके बाजू में लिख देने का। ये मेरा सबसे पहला इंस्ट्रक्शन रहेगा, ठीक है, ये सबसे पहला इंस्ट्रक्शन रहेगा। दूसरा इंस्ट्रक्शन, आप जब भी कुछ भी नया पढ़ा, आप MCQ करते हैं ना तो हम लोग, अरे ये तो नया चीज पढ़ लिया यार मैंने, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो नाइज इकोनॉमिक साइकिल, ऐसा कुछ अलग अलग पढ़ लिया मैंने, अलग कुछ पढ़ लिया ना, तो वो चीज जो टॉपिक है वो टॉपिक की इधर तुम लोग नोट करके लिख देने का। क्योंकि हम लोग को एग्जाम के टाइम में नोटबुक रहेगा धड़ अच्छा ये था अच्छा ये नया कुछ था ये मैंने पढ़ लिया, ऐसा एक बार वो बुक के थ्रू से जाना चाहिए, समझा। तो आप कुछ भी नया MCQ भी पढ़ लेंगे ना, अच्छा नया कुछ, ये तो कुछ मैंने पहली बार सुन रहा हूं, तो पहली बार सुन गया आप लोग सुना ना, तो भी उसका आंसर मिल गया, वो आंसर आपके नोटबुक में लिख दो नोट करके, मतलब ये मुझे बाहटी करके जाने का है, ये मुझे क्या करके जाने का है, बाहटी करके जाने का, ठीक है। दूसरा, ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना, नया कुछ चीज पढ़ा लिख दो, डाउट कुछ आया बुक में लिख दो, क्लियर है। आप लोगों को कभी भी एक चीज याद रखना, आप लोग है ना कभी देखो 1000 मीटर का रेसिंग होते रहता है, बराबर, आप कभी देखा रहेगा एथलेटिक्स का होता है, एशियन गेम भी हुआ था, तो उस सिचुएशन में आप लोग देखो वो पहला राउंड मारता है 200 का आराम से मारता है, दूसरा राउंड मारता है, तीसरा राउंड मारता है, चौथा राउंड मारता है, आराम से मारता है, लेकिन उसका जब लास्ट राउंड जब होता है ना वो अपना 100% एफर्ट्स डालता है, उसको मालूम है बस अब मैं नहीं भागाना तो खत्म, मैं नहीं जीत पाऊंगा। तुम लोगों का भी सिचुएशन ऐसा ही है कि तुम लोग अब 800 मीटर भाग चुके हो, लास्ट का 200 मीटर बाकी है, वो 200 मीटर में तुम लोगों का 100% नहीं 1000% तुम लोगों का एफर्ट्स रहना चाहिए। याद रखना,
100% में 22% रिजल्ट पासिंग होता है, 78% फेल होता है। जो 22% बच्चे लोग जो एग्जाम का रिजल्ट में जो पास होने वाला है, वो तुम है क्या? अगर वो तुम है तो तुम कितना एफर्ट्स डाल रहा है वो तुमको खुद को मालूम पड़ना चाहिए। और बाकी लोग कितना एफर्ट, जो 22% वाले लोग ने कितना पढ़ना चालू किया रहेगा, कितना क्या रहेगा, ये सोचो। उस चीज का डर होना बहुत जरूरी है। समझ में आया क्या? आप लोगों को एकदम फोकस्ड करके पढ़ो, ध्यान से करो, सबका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, सब लोग अपना करियर में बहुत अच्छा करेंगे और एकदम 100% देंगे। ठीक है, होप सो सबको समझ में आया रहेगा। थैंक यू, जय हिंद, बाय। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं मेरे को। आपको मैसेज आ जाएगा किसका क्लास रहेगा नेक्स्ट, आपको मैसेज आ जाएगा। जय भारत, ठीक है, जय हिंद, ओके। नेक्स्ट क्लास किसका रहेगा आपको मैसेज आ जाएगा। थैंक यू, होप सो आपको सेशन सबको अच्छा लगा रहेगा, सबको क्या था, सबको सब समझ में आया रहेगा। होप सो आपने बहुत मैक्सिमम चीज कवर किया है। लेक्चर खत्म। राम राम, थैंक यू, थैंक यू। सब लोग लाइक करो, कमेंट करो, अच्छा लगता है तो क्या थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है हमको। यस यस यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो, थैंक यू, थैंक यू, चलो बाय 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 बाय।